हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेसी आईक्यू। आज वीडियो रे ओटीईटी सीडीपी रो सेकंड यूनिट लर्निंग को आमे डिस्कशन करिबा। जो माने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट क्लासेस देखि पाकु चाहौचंती गुटे वीडियो रे रहिछि, आपण देखि पारिबे चैनल को जाइकी। जदि आपण आमो चैनल सहित जोडबाकु चाहौचंती सब्सक्राइब करंथु, हो जदि आपण कोर्स नेबाकु चाहौचंती ओटीईटी आर्ट्स सेकेंड पेपर रो ओनली 149 टंकारे आपनको सिलेबस वाइज वीडियो हैंड रिटन नोट्स आपनको मिलिबो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन को आमे प्रैक्टिस करैबु, आउ कोनोसो भी डाउट मते पचारि पारिबे। 149 रे आपन कंप्लीट कोर्स पाइ जिवे। आउ जदि खाली आपन जीएस नेबे 90 पड़िबो, आउ खाली सीडीपी जदि नउछंती 49। देखंतु लर्निंग माने कोन, एक छोटिया डेफिनेशन रु हजार थर क्वेश्चन पचारि सारिछि। तो यार जदि डेफिनेशन को पढ़ा, लर्निंग कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज परमानेंट चेंज। जो परमानेंट चेंज ये टर्म ही आपन को एग्जाम रे दे दिए, इन बिहेवियर थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो प्रथम जो आपणकर डेफिनेशन रही यार या कहबाक चाहूँ जी, लर्निंग बा शिक्षण हूँ गोटे जन व्यक्तिर व्यवहार परिवर्तन होता है, जोटा कि परमानेंटली सेटा केमिति हेथाय ना एक्टिविटीज द्वारा। जेते बेले आमे ट्रेनिंग नै थाउ, जेते बेले आमे बार बार सेटा को प्रैक्टिस करी थाउ, सेही प्रैक्टिस करी करी जेते आमे भितरे एक्सपीरियंस आसी जाए, तो ताको आमे कहिबा लर्निंग। काहेकि ना सेटा परमानेंटली चेंज हेगला आम भितरे, जेते बेले आमे ट्रेनिंग नेला, जेते बेले आमे अधिक रो अधिक प्रैक्टिस कला, जेते बेले हमर सेही उपरे एक्सपीरियंस हेगला, ताको आमे परमानेंट चेंजिंग कहिबा आम बिहेवियर रे। तेणु करे ताको आमे लर्निंग कहिबा। जदि आम सेकेंड डेफिनेशन को देखा, लर्निंग इज ए प्रोसेस और एक्वायरिंग मॉडिफिकेशन इज एक्जिस्टिंग नॉलेज स्किल हैबिट थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। यही जगह भी समान जिनस कही कि लर्निंग हूँ गोटे प्रोसेस, जो प्रोसेस माध्यम रे आम कौन एक्वायर करम भितर नॉलेज को स्किल को हैबिट को कहा माध्यम रे ना निजर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस माध्यम रे आमे कौन करी थाऊ, निजर हैबिट स्किल और नॉलेज को आमर मॉडिफाई करी थाऊ, चेंज हो जाए आमर स्किल नॉलेज हैबिटा चेंज हो जाए। कहा माध्यम रे आमे बारंबार प्रैक्टिस और बारंबार एक्सपीरियंस द्वारा एटा चेंज हो जाए, ताको आमे लर्निंग कहिबा। आई होप आपन क्लियर हो जाइथिबे। जदि आमे डेफिनेशन गुडा को देखिबा पिलांग जो साइकोलॉजिस्ट माने देइछंती, जमी देखूँ अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो कौन कही मुझे पढ़ी दूसरी आप दुई चार गोटे लाइन को खाली मन रखी दिखुं आपंकर। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये कहते कि लर्निंग हूँ आपणकर एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। आम लर्निंग द्वारा हैबिट को नॉलेज को एटीट्यूड को एक्वायर करूँ। इट इनवॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग एंड इट ऑपरेट इन ऑल इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टेकल और एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन। कहवाक चाहूँ कि यहीटा कौ हिसाब से इनवॉल्व करता है आमको ना गोटे नुआ किसी करवा को आउ जो बाधा विघ्न जीवन में आसी थाए ताको केमिति आम ओवरकम करमी आम कम कर सेटा आमको शिखे थाए नुआ परिवेश रे केमिति खाप खुआई चलिबा सेटा आमको शिखे थाए। तापर आम देखा देखूँ किए कहते अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर कहते कि लर्निंग हूँ गोटे प्रोसेस जो थे कि कौन होता है ना प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेसन होता है। ठीक अच्छे, देन आप देखिए गेट्स आउ बाकी जो साइकोलॉजिस्ट अच्छे से कहते कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये मुखस्थ कर दिंतु समस्ते से ही सेम जिनस हिं कि जितेबले जन व्यक्ति भितर एक्सपीरियंस द्वारा प्रैक्टिस द्वारा ता बिहेवियर रे चेंज हो जाए परमानेंट चेंज ताको आम लर्निंग कही थाउ। समस्ते से ही सिमिलर जिनस को निज निज हिसाब से कही। एबे आम देखा नेचर ऑफ लर्निंग, देखो नेचर ऑफ लर्निंग यही भितर गोटे क्वेश्चन पचारे कि निम्नलिखित मध्य कौटा यार नेचर नुहे बोले कि लर्निंग रोटे लक्षण नुहे पचारे। तो आप जाणी जातु कौ कौटा, तो प्रथम हूँ लर्निंग एडप्टेसन और एडजस्टमेंट, यानी शिक्षण गोटे कौन एडजस्टमेंट। यहाँ कौन एडजस्टमेंट माने कौन, जमी मान लो जो भाई आउ जो भाई सहित कौन हो लड़े करुच, तो से बड़ भाईटा कौन कला छोट भाई को बाड़ेदेला, तो से आस्ता माँ आसिक कौन से छोट पा बुझेबे कि देख से तो ठार बड़ से जहाँ भी कहूँ से भल ही तो पक्षे कह तो तू से कथा को ग्रहण कर।
तो ये से छोट छुआटा कौन कर हाँ ये ठीक कथा बोलिक से माँ को कथा जो से ग्रहण करुच्ची आ माँ कथ मानुची आम एडजस्टमेंट कह से कौन करजस्ट करुचे से कथ को तो किसी जिनस को एडप्ट करवा किसी सिचुएसन हिसाब से किंवा कथा हिसाब से जो ढली पड़ा से आम कह लर्निंग एडप्टेसन एडजस्टमेंट तो शिक्षण गोटे कौन मुझे प्रथम पॉइंट एडप्टेसन और एडजस्टमेंट बुझीगला तापर कौन कहे लर्निंग इज इम्प्रूवमेंट लर्निंग शिक्षण कौन होता है धीरे 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 यार गतिशील होता है मैंने धीरे धीरे बढ़ी था इम्प्रूव होता है केमी मानु आज मुझे शिखिली का पुणी किसी शिखबी एमती धीरे 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 मुझे डेली मुझे ना कि शिखुची तो मो भर जो लर्निंग हेबा द्वारा मुझे इम्प्रूव करुच्ची निजे तो यही जिनसा कह लर्निंग इज इम्प्रूवमेंट शिक्षण हूँ आमर धीरे धीरे गोटे मानवर जो विकसित को बढ़े थाए ठीक अच्छे जदि आम देखा लर्निंग हूँ गोटे एक्टिव प्रोसेस लर्निंग को आम एक्टिव प्रोसेस से कहे कि बिना एक्टिव हो शिक्षण नहीं पारानी मुझे जो पढ़ाऊँ बर्तमान आपड़ जब एक्टिव न रे तो आप कौन शिखिपारे कि शिखिपारे तेणुक कहुए लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस तापर कौन लिखा जाए ना लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड मान हूँ कि गोटे गोल डायरेक्टेड मान मुझे कि पिला को ये टास्क करके आनबार अच्छे तो से कौन कर से टास्क दिमाग रखाइंड रख कि मत ये करार अच्छे ठीक अच्छे तो सही गोटे कौन है गोल डायरेक्टेड है तो यही कौन हम मुझे जो पढ़े से के पढ़ी सारी कौन करी चेक करी मुझे चाहूली जो डेस्टिनेसन को पहुँचू बोल छुआ को मुझे चाहूली से सही डेस्टिनेसन को पहुँची पारी ना ना मुझे चेक करुच्चे पहुँचला ना ना मुझे जापरि तो लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड से ठीक अच्छे देन आपणकर रोचे कौन कि लर्निंग इज डिपेंड अपन मैच्युरेशन एंड मोटिवेशन तो यठार कहुच्छे कि लर्निंग गोटे हूँ लर्निंग क्या उपरे डिपेंड रही था ना लर्निंग डिपेंड था मैच्युरेशन उपरे और मोटिवेशन उपरे केमी देखु आम जो मैच्युरेशन कहुच्छे गोटे छोट छुआ को आम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा तो से बुझीपार कि तीन क्लास छोट छुआ को दुई क्लास छोट छुआ को आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँच से बुझीपार कि बुझिपार कि बुझिपार कहीं मेच्योर तार से मेच्योर ना से जिनस को ग्रहण कर तो मेच्युरेसन हो एज हिसाब से लर्निंग देवा माने जो छुआ जी एज रही लेवल पाठ देवा हूँ आपणकर मेच्युरेसन आदि आम से तार एज हूँ मानने से द्वितीय क्लास पढ़ु कि पाँच कि छः वर्ष आम पाठ दूचे करेन्ट एफेयरटा मैंने हूँ आम एज हिसाब से जड़े शिशुटा जड़े व्यक्ति कौन करें शिखी थाए मोटिवेशन ताकू कौन ना कौन मोटिवेशन मिलवा कथा जमीक गोटे भित्ति आपणकर गोटे आंतरिक आपणकर बाह्य दुई प्रकार मोटिवेशन थाए तो जदि बाहर पुरस्कार देवा कथा कह तो से भी यही जगह शिखा को इच्छुक हे कि भितर इच्छा अच्छे कि मु बड़ लोक हेबी तो ताकर से जो जुनूनटा अच्छे तो से भी शिक्षा ग्रहण करेंटा भी आम लर्निंग बोलिक कह तो जो देखिए लर्निंग इज अर्गानाइज एक्सपीरियंस मैंने अर्गानाइज एक्सपीरियंस मैंने कौन देखु लर्निंग हूँ अर्गानाइज एक्सपीरियंस माने शिक्षण गोटे अर्गानाइज एक्सपीरियंस जमीक मुझे आपको मानतु आम गोटे सिक्वेन्स हिसाब से पढ़ाऊे शिशु को गोटे सिक्वेन्सली शिशु को पढ़ाऊे कि फास्ट कौन पढ़ा कथा तापर कौन जहाँफल से धीरे धीरे पाठटा सहज होमती नुहे कि तार मेच्युरी ना गोटे पाठ पढ़ाक हो सही आम डायरेक्टली पढ़े दूचे नो प्रत्येक जिन सहित सहित कनेक्ट अच्छी जहाँफल एक दुई तीन चार सेमती आम श्रेणी गुड़ाक तो लर्निंग हूँ गोटे अर्गानाइजिंग एक्सपीरियंस जमी आम जब गोटे जिनस को प्राक्टिस करवा प्राक्टिस करमर कौन हम गोटे अर्गानाइज हिसाब से आमर एक्सपीरियंस आसी जाए जोटा कि लर्निंग हूँ तेणुक अर्गानाइज एक्सपीरियंस आम देखा नेक्स्ट रही कौन कि यहीटा कौन करना बिहेवियरल चेंजेस आपको व्यवहार परिवर्तन देखा मिलता है जिते आम शिखी था लर्निंग ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंजेस क्लीयर ताप देखु फैक्टर्स एफेक्ट लर्निंग फैक्टर्स एफेक्ट लर्निंग कौन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट आपन को क्वेश्चन पचारि दिए देखो तो फैक्टर एफेक्ट लर्निंग माने लर्निंग को कौ कौटा एफेक्ट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पचारि था भितर प्रथम हूँ पर्सनल फैक्टर कौन एज एज गोटे एफेक्ट करता है इंटेलिजेंस गोटे एफेक्ट करता है मोटिवेशन गोटे एफेक्ट करता है कहीं आपको पढ़ाऊँ मैच्युरेशन जदि जो छुआ एज ना गोटे पाठ पढ़ापी
जमी जन को आम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊ ता एज से ना तो सी कौन पढ़ी पार कि तो पर्सनाल मैटर एटर इफेक्ट तार गोटे फैक्टर अटे आईटा इफेक्ट कर लर्निंग को कहीं ना कहीं जदि आप देखिए तार इंटेलीजेन्स ना आम जब गोटे छुआ से जानी ए बी सी डी से जानी आम बुक पढ़ापी कहे तो तार इंटेलीजेन्स आपंकर लर्निंग तेणुक इफेक्ट मैंने फैक्टरटा इफेक्ट करता है ये पर्सनाल फैक्टरटा मोटिवेशन भी सही जिनसा तापर रहा एनवायरमेंट एनवायरमेंट फैक्टर कौन एनवायरमेंट फैक्टर हूँ कि जमी परेश गोटे शिशु को रखा सेमती शिखिजी जमीक मान नियंतु कि जन शिशु से कौन कर जो सिगारेट मान मद यही प्रकार एनवायरमेंट से रोचे तो से ऑब्वियसली कौन कर सही एनवायरमेंट रही से मधुआ हो सिगारेट टाण ही टाण आज जन छुआ अच्छी से गोटे पढ़ा परेश ता साइड साइड सब पिला पढ़ुंट ता साइड साइड भल कथबार्ता लोके ठीक था आपणकर से सोसाइटी रोचे तो यार जो नॉलेजटा हे से बहुत माने डिफरेंस रही पिलारू तो एनवायरमेंट बहुत मायने रही था जो पिलार भविष्य भी बनी जाए भविष्य बर्बाद भी हो जाए जोटा कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी आम कह क्लीयर तो यहाँ भी आपको लर्निंग कौन होता है इंपैक्ट एफेक्ट होता है कि जदि भल एनवायरमेंट पाइब से भल जिन शिख जी खराब एनवायरमेंट मानने खराब जिनस से शिखर रहा फिजिकल फैक्टर फिजिकल फैक्टर हूँ कौन ना जड़े पिलार सब फिजिकाली से फिट रहा कथा जमीक तार जो मानतु कि जन दृष्टिहीन जड़े भल से देखी पारुनि से दृष्टिहीन तो से टीचर सहित तो भल से कम्युनिकेशन तो कर ठीक किंतु से सब बुझा पड़ोनी जीक नॉर्मल स्टूडेंट जो स्टूडेंट फिजिकली फिट अच्छे जमीक मान लु जड़े पिला जदि आखि देखा जाने ब्रेल लिपि पढ़ेगा ब्रेल लिपि पढ़े तो आम कौन कर सीखिपार कि नर्माली पढ़े शिखिपार तेणुक या लर्निंग को इफेक्ट करें एफेक्ट करें राइट तापर इमोशनल मानने शुणीपर कथा जड़े शुणीपार नहीं तो से तार भी तो समस्या ये जगह हम ना तेणुक आम यहाँ को गोटे लर्निंग एफेक्ट पड़ता है आम कहे तापर आप रहा कि इमोशनल फैक्टर इमोशनल फैक्टर हूँ कि पढ़ा समय अगर कथ भाव जमी पढ़ुचे वर्तमान मुझे जिनस पुणी भाविली तो से लर्निंग हो पारे तो इमोशनल फैक्टर भी गोटे एफेक्ट करें आपणकर इमोशनाली आप स्ट्रंग थी कथा पाठ पढ़ा आपान कथा का क्रिकेट खेली आज सका आप क्लास भावुं का छका मारी था तो यहीटा हूँ इमोशनल फैक्टर कि आप कल कथा भावुंत कि आपन को गाली कर देटा को भावुंत कि आप या जाकि कौन करेंगे कौन नाई घरे जा मानने टीवी देखिए ना मोबाइल गेम खेल यही सब जो भावना आपंक रोचे अन्य कथा जो भावुंत सीटा हूँ इमोशनल फैक्टर तो इमोशनल फैक्टर मैंने बुझीगले फिजिकल एनवायरमेंट और पर्सनल फैक्टर समस्त बुझीगले रहा आपंक इकोनोमिकल फैक्टर यहीटा भी गोटे सुंदर जिनस जोटा कि आपको मन रखा कथा कहीं देखो पढ़ापी टार आवश्यकता पड़ी थाए कि पिला टा नदे कि कम लगे था निजर पेरेन्ट्स तो यही जिनस कि इकोनोमिकल फैक्टर हूँ पढ़ा समय जेहेतु टंकार आवश्यकता थाए तो पिलांकु पाठ मुख्यतः टंका काम लगे यहाँ भी गोटे फैक्टर होता है कि पिला शिखिपारे लर्निंग रे यार असुविधा होता है। जिन पियाजेट को थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो रही आम विस्तार रूपे आलोचना करवा आपन को ये वीडियो को जदि कम्प्लीट आप देखुं अगर कौन से वीडियो को देखा पड़बन मु बहुत ही डिटेल्स मुझे कभर करने चेषा कर जो हैंड रिटन नोट्स अच्छी ये सब इनफर्मेसन को भरने को चेस्टा कर किसी प्रिफर करने को पड़बन तो जो मैंने आपणा चाहते य नोट्सटा आपको जनवाक चाहिए बोध आम ओडिया भी आपको सी डी पी देबू आई इंग्लीश भी जो बर्तमान देखुं तो 49 यार प्राइस रही परचेज करें कि आपण जदि कम्प्लीट जदि ने चाहते ओटीटी कोर्स 149 ओनली आपको कम्प्लीट ओटेट्र कोर्स मिल जाव जो थी कि आपको सिलेबस वाइज वीडियो आपजे हैंड रिटन नोट्स पाइबे कम्प्लीट चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज आपन क्वेश्चन पाइबे कौन से भी डाउट जो हम आप पचारिपारे आई उपर नंबर अच्छी 6372239118 पेमेंट करके जो तल नंबर अच्छी 9861992084 ये आप स्क्रीनशॉट शेयर करते पेमेंट रही ग्रुप रु आपको टीम आपको ग्रुप लिंक देदेवे आप जॉइन होकर सब पीडीएफ गुड़ाक डाउनलोड करेंगे वीडियो गुड़ाक देखिपारे सब आम सिस्टमेटिक हिसाब से रखीचु आ जब आप खाली जीएस ने चाहते 90 टाँचा पड़े आपड़ करेंगे आ खाली सीडीपी 49 देखो
जिन प्याजेट यांको जन्म 1896 रु आरंभ करके यांको मृत्यु 1980 रे हेतिला। देख जदि देखिबे ये जने स्विस बायोलॉजिस्ट थिले, यानी ये स्विट्जरलैंड रो थिले, तेनु कि तांको स्विस बायोलॉजिस्ट कहा जाए बा स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाए। बायोलॉजी आउ साइकोलॉजी उपरे ये पारंगम थिले, बहुत किछि रिसर्च करथिबारु यांको बायोलॉजिस्ट बोली कहा जाए, आउ साइकोलॉजी उपरे मध्ये तांकर विस्तार नॉलेज थिला जोति पई साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाए। तो स्विस बायोलॉजिस्ट होचंती जिन पियाजेट, एथिरु गुटे क्वेश्चन पचारि दिए कि जिन पियाजेट कोउ देशर थिले, तो ये थिले स्विस बायोलॉजिस्ट यानी स्विट्जरलैंड रो थिले। देन आमे देखिबा यांको कहा जाए फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहिबार कारण होची कि से 20th century डे बहुत ही तगड़ा और बहुत ही सुंदर हिसाब से रिसर्च कर सारी थे साइकोलॉजी डेवलपमेंट को लेकिन। तो जेहेतु साइकोलॉजी डेवलपमेंट को लेकिन आउ एक क्षेत्र में से अत्यधिक माने रिसर्च करते तेणुकर आम कहीपर कि 20th century डे ये जड़े बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, तेणुक चाइल्ड साइकोलॉजी फादर बोलिकी कहा जाए। तेनालीराम लिखा जाए ही वाज वन ऑफ द 20th century मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। से ओरिजिनली जड़े से देखो ही ओरिजिनली ट्रेंड इन द एरिया ऑफ बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। से बायोलॉजी आउ साइकोलॉजी की नहीं कि वेल ट्रेंड थे स्टार्टिंग रू कौन सा इधर हिमसेल्फ ए जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी, तेणुक से निजे तांकु आमे कौन कही था जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट बोलिकी कही था। आउ जेनेटिक रो अर्थ होची डेवलपमेंट आउ एपिस्टोमोलॉजी माने होची स्टडी ऑफ नॉलेज। क्लियर रिपीट करी जेनेटिक माने होची डेवलपमेंट आउ एपिस्टोमोलॉजी माने होची स्टडी ऑफ नॉलेज। जदि आमे देखिबा ही बिलीव द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इनक्रीज विथ डेवलपमेंट। ये यांकर गोटे कॉन्सेप्ट सबले एग्जाम रे आसी थाए कि ये कौटा को विश्वास करथुले कौ थ्योरी यांको जो एंटायर थ्योरी कौटा को बुझे था ना डेवलपमेंटा आपणकर एठार कौन कहुच्छे ना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टा इनक्रीज होता है डेवलपमेंट। माने मान नियंतु जड़े जिते बिल्ले धीरे धीरे जन को एज हो चल तार डेवलपमेंट हो चल बुझेगा। यांकर कहार अर्थ हो कि जिते बिल जो व्यक्तिर बयस हो चले तार जो बयसटा धीरे धीरे बढ़ी चले से ही समय रे तार डेवलपमेंट बढ़ी चले ना कि आम ना कि ये एमती कही ना कि ओके जोटा कि आम आग को डिटेल्स पढ़ा आपरी हूँ। पियाजेट थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट वेर बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रेन। तार तीनोटी जो शिशु थिला तार जो पुओ झियो थिले तांक उपरे ये कौन करथिले कि ऑब्जर्व करथिले माने तार निजर छुआ उपरे ये ऑब्जर्व करके ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को ये देइछंती। क्लियर मो रिपीट कर देबी रिपीट कर देखो जिन पियाजेट जो स्विस बायोलॉजिस्ट थे यांको आम चाइल्ड साइकोलॉजी फादर बोली कही था। 20th century ये साइकोलॉजी रे बहुत किसी रिसर्च कर सारी से स्टार्टिंग रू बायोलॉजी और साइकोलॉजी उपर वेल ट्रेंड थे तेणुकर आम जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट बोली कही था। जेनेटिक माने हूँ डेवलपमेंट एपिस्टोमोलॉजी माने हूँ स्टडी ऑफ नॉलेज। से विश्वास करुले कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टा इनक्रीज होता है डेवलपमेंट सहित आउ पियाजेट जो थ्योरी निज तीनोटी छुआ उपरे ही ये ऑब्जर्व करके देखते आम देखा कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये टर्म आम कहे यहीटा कौ जगार आसी कॉग्निशन गोटे लैटिन वर्ड कॉग्निटिव जो आम कहे कॉग्निशन टा गोटे लैटिन शब्द जहा जोटा कि कॉग्निशन जार अर्थ हूँ टू नो टू रिकॉग्नाइज टू कॉन्सेप्चुअलाइज। रिपीट करुच्ची कॉग्निशन गोटे लैटिन वर्ड जोटा कि कॉग्निशन रु आसी जार अर्थ हूँ टू नो टू रिकॉग्नाइज टू कॉन्सेप्चुअलाइज। जदि देखा कॉग्निशन रो अर्थ कि इट रिफर्स टू मेंटल प्रोसेस एंड ऑर्गानिज्म लर्न्स रिमेम्बर्स अंडरस्टैंड परसीव्स सॉल्व प्रॉब्लम एंड थिंकिंग अबाउट ए बॉडी ऑफ इनफॉरमेशन। आपण एमती बुझंतु कॉग्निशन रो अर्थ कि एटा गोटे बॉडी रो गोटे ऑर्गानिज्म बोलके भावंतु जोटा कि आमको सिखिबारे जोटा कि आमको मन रखिबारे गोटे जिनिस को बुझिबारे कौन सी समस्या को समाधान करिबारे आउ चिंतन करिबारे सहाय्य करिथाय यानी गोटे बॉडी रो पार्ट आपण भावंतु कॉग्निशन। तो कॉग्निशन द्वारा आमे कौन करथौ
थिंकिंग करी थाऊं गोटे समस्या को समाधान करी थाऊं मन रखी पारी थाऊं किछि शिक्षा ग्रहण करी थाऊं कोनसी जिनिस को ज्ञात करी थाऊं बुझी पारी थाऊं एही जिनिस होउछि कॉग्निशन क्लियर तापर कोन कहउछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्क्राइब द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड प्रॉब्लम सॉल्व कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोन डिस्क्राइब करी थाए कि जो समस्या रो समाधान किंबा गोटे चिंतन रो एबिलिटी बा सक्षमता को बुझाई थाए या माने होची कि आमे कॉग्निशन जेते बेले हमर डेवलप हे थाए जेते बेले हमर कॉग्निटिव ता डेवलपमेंट हे भाबो त कोन होबो ना आमे अधिक रो अधिक चिंता करि परिबा अधिक रो अधिक प्रॉब्लम को समस्या को समाधान करि परिबा त आमे सेटा होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट तापर आमे देखिबा कोन कहूची ना इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल थिंकिंग चेंजेस द लाइफ स्पैन माने एटा गुटे गुटे प्रकार आपनकर एई प्रोसेस द्वारा गुटे थिंकिंग ता जीवन सारा परिवर्तन हेथाय ठीक अछि एई जो आमे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहूची या द्वारा मनुष्यर जीवन सारा तार चिंताधाराटा बदली चले लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा तापर आमे देखिबा प्याजेट स्टडी करथिले पियाजेट जो स्टडी कर कौन लगा पियाजेट स्टडीड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन पार्टिकुलर टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेस चेंज विन विथ एज देखु पियाजेट जो थे ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखते ये कौन ऑब्जर्व कर मुख्यतः ये ना केमी गोटे शिशुर गोटे व्यक्तिर एज सहित माने वयस सहित तार जो चिंता शक्ति तार जो थॉटटा चेंज होता है से उपरे मुख्यतः ये ऑब्जर्व करिसंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीटा देसंती ठीक अछि मु रिपीट कर देबी कोन कोन मु पढ़ेली देखंतु कॉग्निशन गोटे लैटिन शब्द जो कॉग्निशन रु आसी जार अर्थ होउछि टू नो टू रिकग्नाइज टू कन्सेप्चुलाइज कॉग्निशन रो अर्थ होउछि एटा गोटे मानि लंतु गोटे बॉडी रो पार्ट जो जहा द्वारा आम लर्न करथौ रिमेम्बर करथौ अंडरस्टैंडिंग करथौ परसीव सॉल्व प्रॉब्लम करथौ थिंकिंग करथै करि पारु जदि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो एक वर्ड रे अर्थ बुझिबा तो एहा बढ़िबा द्वारा आमर थिंकिंग आउ आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग मध्य एबिलिटी बा आमे सेइतरे सक्षम हो जाऊ माने चिंता शक्ति बढ़ी जाए आउ समस्या समाधान रो आमे बढ़ी जाए थाए आमे सेटा को इजीली सहजरे से समाधान करि थाउ तो ये इटा गुटे माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट गुटे लाइफ स्पैन माने जीवन सारा एटा चेंज हेथाय आउ ये मुख्यतः ऑब्जर्व कोन करथुले ना केमिति वयस सहित पिलांकर जो थॉट प्रोसेस टा चेंज हेते सेटा ये ऑब्जर्व करथुले तापर यार कॉजेस देखबा चालंतु कॉजेस कोन मुख्यतः तीनोटी कारण एठारे मु देखौछि ये सब बले कहुतले एच आउ बायोलॉजिकल मैच्युरेशन ये सब बले हेरिडिटी उपरे डिस्कशन करथुले एज उपरे सोशल आउ कल्चरल उपरे ये अंकर कोनसी प्रकार मोटिव नथिला किमा कोनसी प्रकार इंटरेस्ट नथिला काहे कि ना ये कहुतले कि जेतबेले जणकर एज बढ़े वयस बढ़े तार थॉट प्रोसेस तार थिंकिंग टा ऑटोमेटिकली परिवर्तन हबो ऑटोमेटिकली तार थिंकिंग टा चेंज हबो आउ डेवलपमेंट प्रथमे हबोनी प्रथमे कोन हबो एज बढ़िबो तापर जे डेवलपमेंट हबो आउ एज बढ़िबा सहित तार जो थिंकिंग पावर टा तार जो चिंता शक्ति टा बढ़िबो यांकर प्रथम कांसेप्ट एज एंड बायोलॉजिकल मैच्युरेशन ये कहउछन्ती कि मैच्युरिटी केते बेले आसी थाए जेते बेले जणकर वयस बढ़िबो प्रथम कथा मु बुझैली कि एज जेते बढ़िबो थॉट प्रोसेस सेते बढ़िबो थिंकिंग सेते बढ़िबो चिंता सेते करि परिबे जणे व्यक्ति जेते तार एज हबो एई कथा प्रथमे कहिले सेकंड कथा ये कहउछन्ती कोन कि जेते बेले जणकर वयस बढ़ी चले तो वयस जेते बढ़ी चलिबो सेतिकि तार मैच्युरिटी आसीबो सेतिकि तार डेवलपमेंट आसीबो एक्टिविटी एक्टिविटी माने होची कि फिजिकल वर्ल्ड सहित बा एनवायरनमेंट सहित आम जो किसी एक्टिविटी करूचे तो से आमर जो थॉट प्रोसेस बा थिंकिंग टा बढ़ी थाए जदि नेक्स्ट देखिए सोशल एक्सपीरियंस देखो सोशल एक्सपीरियंस एंड कल्चरल एक्सपीरियंस को लेकिन बेसी जोर देती भाइगट्स्की ये नॉर्मली कही देते सोशल एक्सपीरियंस को लेकिन किंतु यहाँ उद्देश्य आंकर ठार जो क्वेश्चन टा मुख्यतः आमको एग्जाम पचारि थे एज को लेकिन कि एज डेवलप होगा सहित एज बढ़ा सहित जनकर डेवलपमेंट होता है आज बढ़ा सहित जनकर थॉट बा थिंकिंग टा बढ़ी था थ्योरीटा ये देखते मुख्यतः आ क्वेश्चन यही पचारे तो आम देखिले कि सोशल एक्सपीरियंस ये नॉर्मली कि सोशल एक्सपीरियंस भी कम
बेसिक जरूरी किंतु से ये एम्फासाइज करना तेणुक यहीटा को लेकिन क्वेश्चन आज जाए पचारे एज को लेकिन पचारि थाए देन एटर कौन या कहुए इनेटिस्ट कहीं इनेटिस्ट कहते जानते सबकि हेरिडिटेरी द्वारा होता है ये कह किए कौन कहते ना हेरिडिटेरी मानते वंशागत हिसाब से जो जन बापा टी टैलेंट थी थर्ड प्रोसेस जो तगड़ा था पुअर भी थर्ड प्रोसेस से आसब तो यही जिनस विश्वास करुले यानी हेरिडिटेरी तेणुक इनेटिस्ट कहला मुझे आउ थे कहीदेवि एज आउ बायोलॉजिकल मैच्युरेशन विषय डिस्कशन करी यानी एज सहित थिंकिंग बढ़े बोली कही एक्टिविटी यानी फिजिकल वर्ल्ड बा एनवायरनमेंट सहित आम जब किसी ना किसी करवा एक्टिविटी तो से किसी शिक्षा मिले पड़ो और सोशल एक्सपीरियंस विषय से ये किसी कही ना नॉर्मली खाली ये मेनसन कर देन आम देखा ओवरव्यू कौन ओवरव्यू देखा ये कि जीन पियाजेट जो थ्योरी रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट यार जो कौन कह कि ओवरव्यूटा देखा कि कौन कौन आमको ये पढ़वार अच्छी देखू आम प्रथम देखा स्टेज जोटा कि चारोटी स्टेज रही बयस हिसाब से एसपीसीएफ ट्रिक हूँ एसपीसीएफ सेंसरी फ्री ऑपरेशनल कंक्रीट एंड फॉर्मल क्लियर जोटा कि आगे गोटे गोटे पढ़ा आउ यार प्रोसेस देखा कि गोटे छुआ केमी तार जो थिंकिंगटा तार जो कॉग्निशनटा काम करता है तो सहीटा स्केमा एसिमिलेशन एकोमेंडेशन आउ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रिएशन तो यही प्रोसेस आउ यही स्टेज एबे आम देखा यार प्रोसेस बाकी कॉन्सेप्ट गोटे टर्म जोड़े एग्जाम बहुत थोड़ा पचार होगा स्कीमा स्कीमार अर्थ हूँ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज और ब्लॉक ऑफ नॉलेज किंबा या पॉकेट ऑफ नॉलेज बोलिक आम कहता हूँ जदि सरल भाषा बुझा जमीक मुझक डस्टर देखेली आ कहली कि यू डस्टर कहा जाए तो आप जो देखिकी जान लें कि हाँ यही प्रकार जिनस को डस्टर कहा जाए आम स्कीमा कह गोटे एक्जामपल दूसरी मान लो मुझे बिराड़ी देखेली आपको आहली यहाँ हूँ बिराड़ी तो आप देखिए बिराड़ी को तार चारोटी गोड़ रही तार दुईटा आपण कान रही गोटे लाज रही आपड़ देखिकी जाने कि हाँ जार चारोटी गोड़ जार दुईट कान जार गोटे लाज ताक आम कौन कह बिराड़ी तो जो जाणी जाऊँच जो इनफर्मेसन आपज भितर को नौकर आम कह स्कीमा बोलिक तो सेकेंड जिनस आसते एसिमिलेशन एसिमिलेशन कौन कि जोटा आम जाणी से जाणी जिनस कि नुआ एड करवा आम एसिमिलेशन बोली कही था जमीक गोटे एग्जांपल सहित मुझे बुझाऊँ कौन है गोटे शिशु नंदनकानन को निज बापा सहित बुलवाक जा आ बापा प्रथमे देखेले गोटे बिराड़ी को से शिशु को से तो से शिशु को देखेले यहाँ हूँ बिराड़ी तो से शिशु देखिक भाविला कि जार दुईटा कान दुईटा गोड़ चारोटी गोड़ आ गोटे लाज अच्छी ताको आम बिराड़ी कह जाणीगला जोटा कि आम स्कीमा बोली कह जाणीला कि यहाँ को आम कह जब आग को जाकि गोटे बाघ छुआ को देखा से कहे बापा यहाँ बिराड़ी देख कि बापा से समय कहते यहाँ बिराड़ी नुहे यहाँ हूँ बाघ छुआ तो से यही जगह जो स्कीमारे रखी थी कि चारोटी गोड़ दुईटा कान गोटे लाज तो से हिसाब रे से कौन कहला बाघ छुआट को भी बिराड़ी कहीदेला कहीं बाघ छुआर भी चारोटी गोड़ दुईटा कान और गोटे लाज थाए तो से जगह बापा कहले देख तार जो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी बिराड़ीर आउ जो बाघ छुआर जो बॉडी स्ट्रक्चर रही तार डिफरेन्स रही तो सही जगह से कौन कला ना बाघ छुआर जो बॉडी स्ट्रक्चरटा अच्छी तार जो चिन्ह अच्छी से अलग टाइप तो सही जगह ता जी जानी से बिराड़ी विषय से आउ टे इनफर्मेसन एड कला तार दिमाग्रे माइंड आउ टे जिन एड कला तेणुक एक्जिस्टिंग ऑफ स्कीमा ऑफ एक्जिस्टिंग ऑफ स्कीमा एस न्यू इनफर्मेसन किसी नुआ आम दिमाग्रे एड करवा जमीक बिराड़ी जीत जानी जानी कि बाघ क्षेत्र में जिते आसूसी से नुआ किसी एड कर कि हाँ बाघर कौन था बड़ी स्ट्रक्चर टी अलग थाए आम कह एसिमिलेशन क्लियर तो एवं देखा एकोमेंडेशन एकोमेंडेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्कीमा एस न्यू इनफर्मेसन इज इनकॉर्पोरेट यार अर्थ हूँ आम मॉडिफाई करवा जमीक से पिला जिते बिल स्कीमा चारोटी गोड़ दुईटी कान गोटे लाज बोलिकी बिराड़ी को जानी आग को जाकि एसिमिलेशन कला कि बाघ छुआट को जो बिराड़ी बोली कहते बापा कहते यहाँ बिराड़ी नुहे यहाँ बाघ छुआ कहीं यार बॉडी स्ट्रक्चर अलग तो से कौन कला किसी नुआ इनफर्मेसन को एड कला से एड कला कौन करुच्ची
से स्कीमार नॉलेज आउ वर्तमान एड कला नॉलेज को मॉडिफाई करुची कि हाँ तार बॉडी स्ट्रक्चरटा टिके अलगा तो से जो मॉडिफिकेशन करुची स्कीमारे से जिनिसटा को एकमेंडेशन बोली कहिबा बुझिहला कि नहीं जदि आम देखा पुणी कौन कर छुआटा कौन कला कि जितेबले से जो पुणा नॉलेज आउ नुआ नॉलेज को नहीं कि जितेबले से गोटे बैलेंस करुच्ची आम इक्विलिब्रिएशन कहिबा जमीती छुआटा जितेबले देखी थी चारोटी गोड़ दुईटी कान गोटे लांजु को बिराड़ी कहिबा बापा कहले आग को जाकि जितेबले बाघ छुआटा को देखुची से कौच यहीटा भी बिराड़ी कि कहले यार बॉडी स्ट्रक्चर अलग तो से जो बॉडी स्ट्रक्चर अलग बोली कहले से पुराणा नॉलेज तार जोटा थी चारोटी गोड़ दुईटी कान गोटे लांज वर्तमान जो देखुचे चारोटी गोड़ दुईटा कान आ गोटे लांज ताकू जितेबले से बैलेंस को आनुचे हाँ यार बॉडी स्ट्रक्चरटा टी अलग ताकू आम इक्विलिब्रिएशन कहिबा कौन लिखाई इक्विलिब्रिएशन इज ए कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पियाजेट दैट डिस्क्राइब द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इनफॉरमेशन विद ऑफ ओके न्यू इनफॉरमेशन विद ओल्ड नॉलेज ठीक है ओल्ड नॉलेज सहित न्यू नॉलेज के जितेबले आम बैलेंस करितौं ताकू आम इक्विलिब्रिएशन बोली कहिबा जमी आप करंट अफेयर एग्जांपल नहीं जानतु जितेबले आप देखिए कौन होता है ना पुराना किसी आपर माइंड नॉलेज थाए आ जितेबले न्यूज पेपर किसी नुआ पढ़ती सीटा को आप इंटरलिंक करती लिंक कलापर कौन होता है आपन को गोटे बैलेंस आपलेन्स करते आम इक्विलिब्रिएशन बोल कहिबा तार जो प्रोसेस देखा यही तार प्रोसेस रोचे मानियंतु जड़े व्यक्ति किसी स्कीमा किसी नॉलेज जानी तो सी किसी नुआ देखला कौन कला एसिमिलेशन कला किसी नॉलेज को कौन कला एसिमिलेशन कला माने किसी नुआ नॉलेज को ऐड कला किसी जिनस स्कीम रखी थी देखला कि हाँ यहाँ से नुहे यहाँ अन्य जिनस बोलिकी से इनफर्मेसन को ऐड कला कौन है इक्विलिब्रिएशन है इक्विलिब्रिएशन माने कौन से ओल्ड नॉलेज को आउ न्यू नॉलेज को गोटे बैलेंस रखिला कलापर कौन है पुणी गोटे नुआ सिचुएसन मिलगला तापर नुआ सिचुएसन आसला पुणी से कन्फ्यूज हो गला कि हाँ ये केमती एमती है बुझेगा से कनेक्ट कर पारानी जो नुआ सिचुएसन आस कनेक्ट कर पारे जो बैलेंस न कर पार ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज को डिसइक्विलिब्रियम बोली कहिबा ताको तो यही जगह डिसइक्विलिब्रियम होगा डिसइक्विलिब्रियम है कन्फ्यूज होगा फिर पुणी भावुची ओहो एमती जदि यहाँ एमती है जो यहाँ को यहाँ कहला बुझिपार तेणुक आम यू पुणी से कौन कला से एकोमेंडेशन कला एकोमेंडेशन कला पुणी से कौन हो नुआ सिचुएसन आसवा पूर्व से किसी नुआ जिन एड कर पुणी इक्विलिब्रिएशन आसूची नुआ सिचुएसन आस पुणी कन्फ्यूजन हो प्रोसेसटा आप लगातार चली था देखिए आम स्टेज प्रथम आप जानते गोटे ट्रिक SPCF यानी प्रथम आम देखा सेंसरी मोटर स्टेज तापर आम देखा प्री ऑपरेशनल सी आप कंक्रीट आपको फॉर्मल देखो द सेंसर मोटर स्टेज कौन यहीटा जीरो रु शून रु जन्म हाबाठ दु वर्ष को कह जाए जोटा कि इनफान्सी बोली आम जानी तो ये कौन कौन होता है प्रथम कथा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन आप देखिए जदि ताकि आपखर जो कि जो जाऊँगी आपणकर आंगुली हो कि किसी भी हो से कौन कर जबुड़ी धरीदे तो कौन सी जिनस को हाथ को आसला मात्र के जबुड़ी धरीदे आम रिफ्लेक्स एक्शन बोली कही था यही समय यही होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर माने ये जगह केमती बिहेव करता है माने जदि मानते गोटे जिनसन रोचे तार उद्देश्य रोटा केमी से धरव तार उद्देश्य से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हे कि जदि किसी से जिनस तार मानते कि जो किणवार अच्छी कौन सी जिनस इच्छा हो गला से जिनस न पाइबा पर्यटन कांद चिलेब कि भी कर जिनस दरकार ही दरकार जमी छोट छुआ करते आप देखिथे ये दुईटा अप्सन गलापर कौन डिफल्ट इमिटेसन माने नकल करपी समान ठीक अच्छे माने नकल कर समय माने जमीती जहाँ भी देखी थाए धीरे धीरे नकल पूरा अबिकल नकल करमी जड़े मानतु कि पढ़ुची कि किसी कहूँ ताकू नकल कर चेष्टा करपर यहाँ गला ऑब्जेक्टिव परमानेंस माने कौन से कौन होता है खोजा प्रक्रिया या कर माने ऑब्जेक्टिव परमानेंस जदि गोटे जिनस अच्छी तो सहीटा परमानेंट ही रही थाए सेटा ही ये भाभी थाए ऑब्जेक्टिव परमानेंस कहवा जमी मानते कि गोटे खेलना तो सामने अच्छे जदि आम जदि कड़े रखिदबा तो सीटा खोज से जिनस कड़े गला से खोज से ऑब्जेक्ट परमानेंस से भाई कि यहाँ परमानेंट जिनसटा
तापर कौन थिंकिंग डेवलप्ड थ्रू सेंस, यार जो थिंकिंग चिंता शक्ति केमती बढ़ी थाए ना सेन्स द्वारा छुईक किसी ना किसी छुईक ये तार सेन्सटा बढ़ी थाए। तापर इमिटेशन तो मुझे कहली कि कॉपी करिबा किसी ना किसी लोक को देखिकी कथा तापर व्यवहार तापर सबू किसी धीरे धीरे इमिटेट करिथाए कॉपी करिथाए। तापर कौन कॉज एंड इफेक्ट, एठारे गोटे जिनिष आपनको कहिबा को चाहिबि आपण एथिरे आपण दुईटा जिनिष मन रखिबे, गोटे होची आपनकर ऑब्जेक्ट परमानेंस गोटे इमिटेशन गोल डायरेक्ट बिहेवियर बास एति आउ रिफ्लेक्ट एक्शन भी आपड़ मन रखी पारे एति एग्जाम पचारे आउ थिंकिंग डेवलप एटा चारोटी जिनस मन रखिए बाकी जो तीन टाइम अच्छे छाड़ भी चलो मोकस कर दिखाँ ये सबको। तापर प्री ऑपरेशनल स्टेज को देखो जोटा कि 2-7 वर्ष समय कही था समय प्रथम हूँ एनिमिजम ये कौन था निर्जीव को सजीव बोली मानि थाए कि जो भी जिनस मानने जो खेलना खेलुच भी से भावे कि हाँ यहाँ सजीव यार भी जीवन अच्छी ये भी कौन होता है चली पारे खाईपे तेणुक तो आप देखिथे कि कंडे गुड़ाक जो छोट शिशु गुड़ाक खेली था तो गोधेबे किसी बनइबे पोछबे तो यही प्रकार कर तो से लगे कि सब जिनस गोटे एनिमिजम मान सब जिनस जोटा भी निर्जीव अटे से हिसाब से कौन हिसाब से सजीव सहीटा। तापर लैक अफ कंजरवेशन माने लैक अफ एठार लैक अफ कंजरवेशन देखा मिलता है जमी मानि एठार मुझे गोटे कौन कल गोटे यही प्रकार गोटे पात्र पा रखिली 200 ml है ये 200 ml रखिली आई गोटे रखिकी मुझे गोटे रखिकी 200 ml एठार भी रखिदेली तो कौन लगे कहले एटार पिक्चर देखो ये 200 ml रखिली आईटे 200 ml रखी मुझे पचारि कौन थे अधिक पा अच्छी तो ये कहे यहीटा तो ये कंजर्वेशन अभाव जेहतु थाए से कौन करेंगे जो बड़ देखा जो लंबा देखा जाटा बड़ सहीटा ही से अधिक पा अच्छे तो यही लैक अफ कंजर्वेशन थाए। तापर सेकेंड जिनस देखु ये मैंने इगोसेंट्रिजम था यानी मुझे कहूँ से अन्न मैंने कर ठीक अच्छे मानने से निजक हिरो मानते भाई थाए दे नेक्स्ट कौन अच्छे ट्रांसडक्टिव और इलॉजिकल थिंकिंग यहीटा गोटे इंपोर्टेंट यूर पचारे इलॉजिकल थिंकिंग मानने कौन से लॉजिक नहीं तार थिंकिंग रे से तार बिना लॉजिक रे सबकि कही था सबकि भाई थाए है ये पचारे ये पचारे मन रखु। तापर इ रिवर्सबिलिटी जो रही मानते सजे पार्वनी मानि कि मुझे कौन कल गोटे पजल मिल था आपड़ देखि माने मु गोटे खेलना को कौन कल खोलिकी मु पकईदेली एपट सेपट कि से मानने के पकईदे कि छुआ निजे पकईदेला से कौन कर जोड़ी पार्बन कि मुझे पचारि 5×2 आपणकर के 10 होता है मुझे 5×2 10 तो 2×5 के पचारि से कही पार्बन मुझे जो पचारि 1×2 3 तो 2×1 कहले पारन तो यही को आम कह रिवर्सिबिलिटी माने ये सजे पार्बन कि जापरि ठीक अच्छे किसी जिनस को मानते पजल जो थाए कि जो खेलना गुड़ाक जो थे जोड़ती खोलती सहीटा से करपरबन यहीटा को आम प्री स्कूल एज बोली कही था मन रखु ये लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है यही जगह लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बहुत ही तगड़ा बहुत आपणकर फास्टेड ग्रो होता है लैंग्वेज। तापर आप देखिए तापर जो देखिए यही जगह से थिंक माने चिंता करिथाए कौन सी कॉज ऑफ इफेक्ट को लेकिन चिंता करिथाए या पूर्व कौन सी कॉज इफेक्ट को भावि नथाए किंतु यही समय रे चिंता करिथाए कॉज इफेक्ट को लेकिन। तापर कौन रही देखु सिंबॉलिक थॉट हाँ यही क्वेश्चन टा बहुत थर पचारी जो सिंबॉलिक थॉट देखुं ये सिंबॉलिक थॉट बहुत थर पचारी मन रखु ये सिंबॉलिक थॉट पचार देन आपण को सेंट्रासन यटारे सिंबॉलिक थॉट डेवलपमेंट तो होता है ता बाहर सेंट्रासन मन रखु सेंट्रासन आगे देखा सेंट्रासन डिटेल्स मुझे लिखी तेज़े देखो एवं आम देखा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 7-12 वर्ष समय को कहवा तो यही जगह होता है कौन ना यही जगह आपण प्रथम हूँ लॉजिकल थॉट आसी थाए कौन इलॉजिकल थॉट नुह यही जगह से प्रत्येक जिनस पचर लॉजिक खोजे यहीटा कहीं एमती है जी किसी कहला लॉजिक खोज कि जदि यहीटा बनी कहीं बनी जदि यहाँ बनागला कहीं बनागला क्या द्वारा बनागला कौ समय बनागला एमती से लॉजिकली सहीटा को चिंता करापर कौन सेठार देखु कंजर्वेशन एचिव हो जाए जमीक मुझे कही एग्जांपल दे
कि जदि छोट पात्र गोटे पात्र 200 ml आउे 200 रखा यहीटा को बड़ बोली कहूला कि जगह कौन होता है कंजर्वेशन एचिव होता है तो से कह इक्वाल पा अच्छे दिन रही आप रिजर्सीबुल थट आप रिभर्स यहाँ मिस्टेक लिखाई है जो यहाँ आप रिभर्सीबुल थट हाँ कथा मान यगार ये कौन करते जोड़ी पारे कौन सी जिनस को जोड़ी पार जमी कि मुझे जो एग्जांपल दूसरी कि 5 multiply 5 × 2 के 10 जदि पढ़े 2 × 5 कहले से पूर्व जापार ना एवं कहीपर कि कौन सी जो आपणकर जो खेलना गुड़ाक आसी था जोटा को खोलिकी जोड़बार था सहीटा से गेम गुड़ाक जिनस करें यहाँ को आम कह गैंग एज बा स्कूल एज बोली कहवा यटा को आम ट्रांजिटिविटी एज बोली कह कहीं ये कौन होता है ना आपणकर जो रिलेशन टाइप प्रश्न थाए ट्रांजिटिविटी माने कौन रिलेशन टाइप प्रश्न थाए से जमीक ए इज ग्रेटर देन बी सी इज लेस देन बी ए माइनस सी एम प्रकार क्वेश्चन गुड़ाक से करें तापर सब बड़ कथा हूँ क्लासिफिकेशन ये क्लासिफिकेशन करें ये समय क्लासिफिकेशन माने कौन जमी मानि नु कहली कि रंग आपन को मुझे कहली बहुत सारा रंग अच्छी कि मानि नु कहली कि सेप गुड़ाक आपणकर सेप गुड़ाक कहली कि गोटे जगार सामान सेप जो थी जिनस को रख तो से कौन कर जिनस को यही सेप्र जिनस को गोटे जगह रखिपार यही राउंड राउंड को गोटे जगह रखिपार जो ट्राइंगल को गोटे जगह रखिपार तार नलेज जी आसी जाए मुझी कौटा मानने कहली कि क्लासिफिकेशन कर कि लाल ए सरी आप नाली कौटा आपण नारंगी कौटा आपण सबुज कौटा आप क्लासीफाए करूँ बोल कहली तो से छुआटा कर समय सीरीएसन सीरीएसन मान कौन कि एसेंडिंग डिसेंडिंग अर्डर ये समय तार डेवलपमेंट हो जाए यह समय डेवलपमेंट एसेंडिंग आउ डिसेंडिंग हो जाए क्लीयर है ना ना मत कहु तो मुझे रिपीट करी देखूँ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 लॉजिकल थॉट आसी था रिवर्सिबिलिटी आसी था कंजर्वेशन अचीव हो जाए गैंग आउ स्कूल एज बोली कही था ट्रांसिटिविटी समय आसे क्लासिफिकेशन करें आउ सीरियसन करें चार ही रहा कौन आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यही 12 to 18 को बुझे था 12 to 18 बयस कौन था ना आपंकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोल के आम कह यहीटा हूँ आप अब्स्ट्राक्ट थिंकिंग इमेजिनरी पावर डेवलपमेंट यही समय होता है ठीक अच्छे देखो अब्स्ट्राक्ट थिंकिंग माने हूँ इमेजिनरी पावर डेवलप हाँ माने आपण कौन सी जिनस को गोटे जिनस कहीदे अब्स्ट्राक्ट माने कौन माने मुझे जिते बे कहूँ आपन को सहीटा को गोटे गोटे आज इमाजिन कर गोटे जिनस थाए दुईटा जिनस कह गोटे थाए आपण को मुझे जो देखेबी कि यहीटा को डस्टर यहाँ डस्टर मुझे एप्पल कहले एप्पल को देखेबी मुझे कहूँ कि यहाँ भारत मान भारत मानचित्र को देखा मुझे नदी बोलूँ नदी को देखा से कंक्रीट बोली कहा जाए कि समय एब्स्ट्राक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाए मानने एब्स्ट्राक्ट थिंकिंग मैंने आपको सहीटा देखा पड़ूनी है आपको मुझे एप्पल कहूँ आप माइंड ऑटोमेटिकली से सिंबलटा बनुच्छे मुझे आपको जितेबाला मुझे कि नदी नदी पिक्चर देखा पड़ूनी आप माइंड ऑटोमेटिकली नदी पिक्चर आसी जाए कह एब्स्ट्राक्ट थिंकिंग इमेजिनरी पावर डेवलप होता है डिडक्टिव थिंकिंग माने कौन डिडक्टिव थिंकिंग माने एग्जांपल टू रूल मुझे जितने पढ़ाऊँ तो आपको प्रथम एग्जांपल देवी कि आई एम गोइंग पे ये आई हूँ यहाँ हूँ आपणकर एग्जांपल एग्जांपल मुझे रूल बतैली कि यहाँ हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखुं ये एम लगे तापर ए सब्जेक्ट सहित यहाँ आपण एम इज आर लगे तापर भाव सहित आई एन जी लगे मुझे से रूलटा बताऊँ प्रथम एग्जांपल देली तापर ये रूलटा बताऊँ तो यहीटा यही समय पिलाटा कैच करपे देखो हाइपोथेटिक यानी डिडक्टिव रिजनिंग मैंने जो एजम्सन वाला क्वेश्चन थाए आप देखी एज्यूम वाला रिजनिंग गुड़ाक थाए क्वेश्चन गुड़ाक थाए तो यहीटा करें ये समय तो इंडक्टिव मैंने कौन क्वेश्चन पचारि दिए रूल रू जो एग्जांपल आम पढ़े था आम इंडक्टिव कही था डिडक्टिव मैंने एग्जांपल टू रूल आप डी पर कौन आसी था ई आसी था यानी एग्जांपल पर रूल आपत मन रखिपारे तापर आम देखा जो पियाजेट थ्योरी रही एजुकेशनल इम्प्लिकेशन इम्प्लीमेंटेशन कौन कि आम कौन कौन ये पियाजेट थ्योरी आम शिक्षा क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर प्रथम होची एक्टिव बेस्ड लर्निंग
कि या थ्रू आम गोटे एक्टिव बेस्ड लर्निंग क्रिएट कर पारिबा। नॉलेज इज एक्टिविटी कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट। तापर देखते टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यहाँ इम्पोर्टेंट आज्ञा, यहाँ बहुत ये सब कहते फैसिलिटेटर टीचर, यहाँ बहुत थोड़ा एग्जाम पचारे कि शिक्षक हूँ जो फैसिलिटेटर, ये भी ये जिनस कहते थ्योरी भी ये जिनस जना पड़े। आए कहते कि लैंग्वेज हूँ गोटे प्राइमरी सिम्बोलिक जोटा कि एक्सप्रेस कर थॉट को, या मैंने जिते बेले आम गोटे लैंग्वेज जानापर ही आम गोटे चिंता कर पारा, बुझीगला, यानी लैंग्वेज न आसवा पर्यटन आम चिंता करें कही मन रखुद। लैंग्वेज इज द प्राइमरी सिम्बोलिक एक्सप्रेसन आवर थॉट। आम यहाँ तो सत कथा कि आम जो चिंता को आम प्रकाश करने लैंग्वेज दरकार, कितु ये गोटे जिनस कहते आ गए जिनस कि जदि आम लैंग्वेज शिखिनु तो आम चिंता शक्ति डेवलप हो पार ना। तापर देखो रेडिनेस टू लर्न, माने ये यहाँ थ्योरी हिसाब से आम एजुकेशन कौन इम्प्लीमेंटेशन कर पारा, आ गए रेडिनेस टू लर्न यानी शिक्षा ग्रहण पक्ष रेडी होता माने कथा, ठीक अच्छे, जोटा कि करिकुलम डेवलपमेंट तापर देखा, यहाँ है एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तापर करिकुलम रे कौन कौन यहाँ डेवलपमेंट देखा, तो पियाजेट थ्योरी आर एम्बेडेड इन टू द स्कूल सिस्टम इन द सेंस दैट द करिकुलम इज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ दिस थ्योरी। एमती किसी ना जोटा कि आप पढ़े, तो ये स्केमा फेमा जो इम्पोर्टेंट आप पढ़ी दिखाँ नोट्स नहीं कि बास। आउ क्रिटिसीजम कहीं करदे कहीं क्रिटिसीजम कर टीचर पर कौन दरकार ये मेनसन करके देख दिखाँ मु पढ़े दूसरी देखो कौन रही। देखो द करिकुलम इज डिजाइन टू रीच स्टूडेंट्स एट द फास्ट स्टेज। प्रथम कथा हूँ करिकुलम एमती डिजाइन करने कथा जोटा कि फास्ट स्टेज स्टूडेंट को पाख पहुँच पार्थ मैंने से जापार से विषयटा। आ प्रोग्रेसिव टीचिंग न्यू लर्निंग टू चेंज द स्कीमा इन ऑर्डर टू मूव स्टूडेंट थ्रू इज स्टेज। तापर गोटे स्टेज रु आ गोटे स्टेज को जिते बेले जाऊँ तो से स्टेज सहित तार मानने कौन रहा कथ लिंकटा रहा कथा मानि तो एक क्लास जो आप क्लास जो सेकेंड क्लास रही फास्ट क्लास सेकेंड क्लास सहित लिंक रहा कथ पाठटा सेकेंड थर्ड को लिंक रहा कथ। द टीचर स्टार्ट एट द बेसिक इंट्रोडक्शन ए न्यू सब्जेक्ट एंड वन्स द नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट इज मास्टर्ड दे वुड क्रिएट ए स्कीमा। तो प्रथम कौन कर शिक्षक कौन कर प्रथम गोटे बेसिक इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर सही सब्जेक्ट को लेकिन कहीं सब्जेक्ट रही जमी मान गणित मैथ बा इतिहास इतिहास में कौन पढ़ा कौन इतिहास सब्जेक्ट से विषय प्रथम से अवगत कर शिशु को तापर से कौन कर पूरा जो से सब्जेक्ट को लेकिन तार छुआर नलेज आसपे कि आम पढ़ा कौन अच्छी धरतु हिस्ट्री से इतिहास पढ़वार कौन अच्छे से मास्टर होपर आम कौन कर स्कीमा क्रिएट करवा नुआ नुआ चैप्टर को लेकिन। तापर कौन टीचर पर कौन कौन ये सलाह देखते देखो व्वेन चिल्ड्रेन एंटर द स्कूल दे आर जनरली एट द प्री ऑपरेशनल स्टेज। जिते बेले गोटे शिशु स्कूल को जाए से समय जानते प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे शिशु थाए टीचर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट दे कैन नॉट लर्न कंक्रीट ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज अंटिल द स्टूडेंट मूव मास्टर द प्री ऑपरेशनल स्कीमा इन अदर वर्ड। माने कहवाक चाहूँ कि टीचर निश्चित रूप से यहीटा चिन्हवा दरकार जे से छुआटा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे अच्छी तो कौन सी हिसाब से कंक्रीट ऑपरेशनल स्ट्राटेजी देवा भूल आपण कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्ट्राटेजी दे पारे ना ये जगह बुझेगा। आई जगह मुख्यतः आप प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूरा मास्टर बनइबे पूरा आप स्ट्रंग करेंगे तापर आप सेकेंड स्टेज को बढ़िया को चिंता करेंगे ये जिनस कहुचे है। स्टूडेंट मस्ट स्टार्ट एट द बेसिक फर्स्ट स्टेज एंड मास्टर इट बिफोर दे कैन प्रोग्रेस वेल इन हायर स्टेज जोटा मुझे कहली या क्रिटिसाइज करो विषय को लेकिन देखते प्रथम हूँ कि ये कल्चरल आउ सोसाइटी को अवॉइड कर देले क्वेश्चन पचारे मैंने कल्चरल आउ ये आप सोसाइटी रही है ये किसी सेमती इफेक्ट आसे बोलिए जो या क्रिटिसाइज कर कि कहीं जो मानव समाज रु सब कुछ शिखी थाए गोटे परिवेश रु सब कुछ शिखी थाए जोटा कि क्रिटिस करपुर रहा इनफ्लुएंस इफेक्टिव ट्रेन आउ ट्रबुल विटैच आउ ये कौन कहते ना खाली एजेस को लेकिन ये सब किसी एमती तो हुए ना कि जो व्यक्ति एज होगा कौन तार डेवलपमेंट हो जाए कि जो जो एमती अच्छा जगार बयस 60 वर्ष है 50-40 वर्ष मेच्युरी से न थाए आज भी से बोका टाइप व्यक्ति मैंने बुझेगा ना। तो यही जिनस क भाइगर्स की सोशियो कल्चरल थ्योरी को बहुत डिटेल्सली मुझे पढ़ेबी
जदि आप आज वीडियो देखुं तो भाइगोट सिंह जो थ्योरी रही कि अन्य किसी आपको प्रिफर करने पड़े कहीं बहुत सारा वेबसाइट बहुत सारा बुक बहुत सारा यूट्यूब चैनल मुझे यहाँ कंप्लाय करके पढ़ाऊँ देन मोर एत परिश्रम आपको हेल्प कर आशा करुच्ची निहाति आपण मैंने हैंडरइटन नोट्स परचेज करें कि आप चैनल तरफ प्रिपेरेशन हो पारे ओटापी आम आपको प्रोवाइड करूँ बहुत सारा जिनस जदि आप पेड कोर्स किणुंट देखु आपड़ी कम्प्लीट कोर्स नाप चाहते ओनली 149 प्रोभाइड करोटेट पेपर सेकेंड आर्ट्स मुख्यतः आपड़ खाली सी डीपी ने 49 पड़ो आ खाली जो जीएस नाप चाहते 90 टकर मिलजि आदि आप कम्प्लीट पेडागोजी सबकि रोटा कि आप सिलेबस वाइज वीडियो पाइबे हैंड रिटन नोट्स पाइबे चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपण प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आम आपको देवु आउस भी डाउट हम मत सांगे पचारि पारे ठीक अच्छे जदि ने चाहते ये ऊपर नंबर अच्छे ये 6371239118 मत पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पठात व्हाट्सएप आपको जो ग्रुप बना दीजिए जॉइन कर दिया जाए आप जॉइन होकर प्रिपेरेशन जारी करेंगे चलते आज क्लास को स्टार्ट करवा देखो ये पढ़ा कौन प्रथम पढ़ा कि डिफरेन्स बिटवीन पियाजेट एंड भाइगोट्स्की भाइगोट्स्की और पियाजेट के भितर कौन पार्थक्य जाना तापर लैब भाइगोट्स्की किए ताको विषय जानिबा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मु बुझेबी केते गुडी टर्म जोटा कि भाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी रे रही जोटा कि आप एग्जाम आसी थाए आउ एजुकेशन रे आम कौन कौन या इम्प्लिकेशन करा सहित या को क्रिटिसिजम कर भाइगोट्स्की को आम डिस्कसन करवा यहाँ तार मानने की पॉइंट जोटा कि आम आज क्लास जानवा आरंभ कर चलतु डिफरेन्स बिटवीन पियाजेट एंड भाइगोट्स्की ठारु भाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट द चाइल्ड इज ए सोशियल बीइंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लेड बाय सोशियल इंटरेक्शन भाइगोट्स्की सब विश्वास करुले कि जड़े शिशु हला सोशियल बीइंग यानी सामाजिक आम कहीपर कि समाज जीव या मान हूँ तार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटा केते बेले हे परिबो जेते बेले से सोशल इंटरेक्शन करिबो यानी समाज सहित से जोड़ी के रहिबो समाज रे से सब बेले समाज सहित लागी के रहिबो समाज लोकों को सहित कथाबार्ता होबो सेते बेले जाके तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट हबो किंतु एई जगह रे पियाजेट कोन कहउचंती पियाजेट ऑन द अदर हैंड लेफ्ट दैट द चाइल्ड वाज मोर इंडिपेंडेंट एंड दैट डेवलपमेंट वाज गाइडेड बाय सेल्फ सेंटर्ड फोकस ऑन एक्टिविटी ये कहते कि एक्टिविटी विषय रे जमीती कि मुझे कंप्लीट एग्जांपल देसी आप जगह बुझे या डिफरेंस कौन पियाजेट सब कहते कि प्रथम डेवलपमेंट तापर जा लर्न कर गोटे शिशु प्रथम जितने डेवलप कर डेवलप कलापर जा कि से शिक्षा ग्रहण करूँ भाइगोट्स्की कौन कहते प्रथम जो व्यक्ति शिखला शिखबर जाटा को डेवलपमेंट मनाजी ये जिनस भाइगोट्स्की कहते आउ पियाजेट कहते कि प्रथम डेवलपमेंट आपर जा शिक्षण माने जड़े डेवलपमेंट कलापर ही किसी शिखिपार किंतु भाइगोट्स्की ताठारु ओलटा यानी लर्निंग प्रथम लर्निंग हालापर ही डेवलपमेंट आम कहता जोटा कि मत भी लगुच कि भाइगोट्स्की ये जगह ठीक कहते जदि आम आगू देखा कि किए थे लैब भाइगोट्स्की लैब भाइगोट्स्की जड़े रूसियन जी कि 1896 जन्मग्रहण करते रुषिता मृत्यु मात्र 37 वर्ष बयस आईत्रीस वर्ष बयस मृत्यु होवर बहुत सारा थ्योरीज आग को बढ़ी पार ना ड्यू टू हिज आर्ली डेथ मोस्ट ऑफ हिज थ्योरीज वेर लेफ्ट अंडर डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड भाइगोट्स्की सब बेले एम्फासाइज करते जोर दौले सोशल कंट्रीब्यूशन उपर कि सब बेले सोशल कंट्रीब्यूशन रे ही आम निजर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट करेखा जा भाइगोट्स्की प्लेस्ड मोर एम्फासाइज ऑन सोशल कंट्रीब्यूशन टू प्रोसेस डेवलपमेंट ठीक अच्छे आप बुझी जाइए मुझे रिपीट करके बुझे दूसरी भाइगोट्स्की किए ये हूँ जड़े ये रूसिया अटंती क्वेश्चन टा पचारि दिए कि लैब भाइगोट्स्की कौ देशर आपण को बहुत प्रश्न पचारि मृत्यु 37 वर्ष बयस आउ या
माने बहुत आर्ली डेथ होती थी बहुत सारा जो तांकर थ्योरी थिला सेटा अनडेवलप होकर रही जाइला आ भाइगर्स्की सब सोशियो सोशियाल कंट्रीब्यूशन विषय डिस्कसन करते सोशियाल इंटराक्शन विषय डिस्कसन करते जो गोटे मार्क आपण परीक्षा पचारि थे देन आम देखा कौन कौन फैक्टर रही फैक्टर को मुझे देखी देखूँ तीनोटी मुख्यतः फैक्टर आसपेक्ट देखी जोटा कि फास्ट हूँ सोशियाल इंटराक्शन यानी समाज संपर्क समाज संस्पर्शे आसिकी आमर विकास होता है आम जमी पिता माता शिक्षक यही सब समाज रू कि ना कि शिक्षा ग्रहण करके डेवलप होता है ये कहते जमीक गोटे एग्जांपल आपण के बजार जाइंट मार्केट तो आप देखिथे कि आप कौन कर देखिले कि आप आलू कि चेष्टा कले आलू कि गले तो से जगह आप करेंगे आलू आपण किणुंट आलु रे जो छोट माने खराब टाइप रो आलु अच्छी जो थे छिद्र अच्छी आपण से सैड कर दौंट कि जो आलु रे आप कला टाइप रही कि सबुज टाइप रही से आलु को आप हटे दौंट आउ जोटा राउंड है एकदम परफेक्ट आपन को लगुच से रखुं तो यहीटा केमी यही नलेजा आपण को आसला हो पाए कि आप क्या देखिक से ही जगह अं क्या देखिक शिखिले कि आपण को आगु जो व्यक्ति से ही जगह आलु बाछुते देखिक आपड़ जान लें कि आपण को माँ आपण को कही आपत क्वेश्चन कले कि कहीं से व्यक्ति एमती आलु को खाली नेला आउ बाकी छिद्र आलु को सैड करदे ब्लैक थी आलु को ये करदे माँ आपण को बुझेबे कि सहीटा एथपाई कि ब्लैक थी आलु रे पोक चान्स थी कि छिद्र आलु रे पोक चान्स थी टी सबुज देखा आलु रे सेटा बेसी समय ना सीझापी तो ये से शिखेबे जोटा कि सोशियाल इंटराक्शन द्वारा ही हो पार माने समाज रे जिते इंटराक्शन आसो बा समाज सहित आम जो मिसिक रो से समय में बहुत किसी शिक्षा ग्रहण कर पारूँ यहीटा हूँ भाईगर सिंह प्रथम एस्पेक्ट नेक्स्ट कौन कल्चर कल्चर रु आम बहुत किसी शिखिपर जमती कौन ये कल्चर विषय कौन बुझेले कि गोटे स्कूल आमर जमती आम पूजा करुचे मान लो आम दुर्गा पूजा कले तो दुर्गा पूजा रे जो करा जाउचे दुर्गा पूजा ये बहुत सारा जिनस शिखा को थाए आ जीवन में आम से सब इम्प्लीमेंट कर तो आमर कल्चर भी आमको बहुत किसी शिखे जोटा कि आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित डायरेक्टली लिंक देन रहा लैंग्वेज विचार बनवे साहय क ये कहले कौन कि जदि आम लांगुएज शिखा देन आम चिंता करें विचार कर तो लांगुएज गोटे ये बहुत इम्पोर्टाट जदि आपन को एबे से लेफ्ट हाइट्स के आसिक आपको जो यही चैप्टर पढ़े चैप्टर आप बुझीपर कि कहीं बुझीपर कहीं से रूसियन लांगुएज कहे तो मुझे आपको ओडिया लांगुएज बुझाऊँ तो आप बुझीपर ठीक से ही लांगुएज ये जगह बहुत किसी आपण को माने फैक्टर बड़ फैक्टर कह कहीं ये आपन को साय कर विचार करने कि आप थॉट को आपन को डेवलप करने कि जहाँ कहे आपटा को थोड़े भावे मुझे ठीक कहे ना भूल कहे कौ जगह भूल कह तो मो लांगुएज ही आपको कनेक्ट कर मुझे अगर किसी लांगुएज कहबी जोटा आप जानि ना तो आप किसी विचार करें कहीं गोटे प्रकार आपन को म्यूजिक दे सहित सामान तो यही जिनसटा रहा सोशियाल इंटराक्शन कल्चर आउ लैंग्वेज तीन टा जिनिस हमें डिस्कशन कला एबे हमें देखिबा बहुत इम्पोर्टेंट जिनिस जोटा एग्जाम रे पचारे किसी इम्पोर्टेंट टर्म जोटा कि आप एग्जाम रे आसीबा जेड एपी जेड पीडी स्काफोल्डिंग आउ एमकेओ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट यही चारिटा पॉइंट ही इम्पोर्टेंट जेड एपी रो फुल फॉर्म होची जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जेड पीडी रो अर्थ तार जो फुल फॉर्म रहउची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आउ स्काफोल्डिंग माने बुझीबा आउ एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर रिपीट करुचे जेड एपी यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जेड पीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्काफोल्डिंग एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर चलो तो प्रथम स्टार्ट करिबा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो एथरे कौन रही मुझे तीन गोटे जिनिस को प्रथम गोटे ग्राफ रे बुझाऊँ शुणु बुझी जातु कि मुझे तीन टा गोटे आपको ग्राफ रे बुझाऊँ यहाँ गोटे ग्राफ मु गोटे क्वेश्चन आपन को पचारी आपन से क्वेश्चन रो आंसर इजिली देदे पुणी गोटे क्वेश्चन रो आंसर गोटे क्वेश्चन पचारे आप बहुत इजिली पुणी देदे आंसर पुणी गोटे क्वेश्चन पचारे सहीटा भी आपन आंसर देदे
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ହଁ ଏଇ ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ପଚାରେ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନାରେ ରହିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଲା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବା ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୟା ମାନେ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନଲେଜ ସେଇ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି କି ନ, ଏଇଟା ହିଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ହିଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲି ଆପଣ ପୁଣି ସେଥିରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ, ପୁଣି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ପୁଣି ଦେଲି, ପୁଣି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ବେଶିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା, ପୁରା ୟୁ ପି ଏସ୍ ସି ଲେଭେଲ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ବାୟା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜମା ବି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏକଦମ ରାଜା ଭଳିଆ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ କହିବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବା ସେଇ ଭିତରେ ବି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହିଣ୍ଟ ଦେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ବେଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଜେଡ୍ ପି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟାକୁ କହିବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଆସୁନି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏମ୍ କି ଓ, ୟାନି ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ସିଟ୍ ବି ପଢ଼ାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ୟାନି ମୁଁ ହେଲି ଏମ୍ କି ଓ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ କି ଓ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ୟାନି ମୁଁ ସିଡିପିକୁ ନେଇକି ମୋର ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଅଧିକ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାନନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବ କି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ, ତ ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଏମ୍ କେ ଓ, ୟାନି ମୋର ନଲେଜେବୁଲ୍ ଓଦର କେତେବେଳେ ଦରକାର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣା ବି ଜମା ବି ଜଣା ନଥାଏ ପଢ଼ିବାର ମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିଅର ଏଭ୍ରିବଡି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ପୁରା କିତାବୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଜେଡ୍ ପି ଡି କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଆଚିଭ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି। ଜେଡ୍ ପି ଡିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଜଣେ ଶିଶୁ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ବା ସ୍ୱାଧୀନତ ହିସାବରେ ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜେଡ୍ ପି ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାର୍ଟନର, ବାସ୍ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ହିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର ଆଉ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମ୍ କେ ଓ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଜୋନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ବତାଏ, ଏଇ ଜୋନ୍ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ, ୟାନି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା କି ଏମ୍ କେ ଓ, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲାନି ଜମା ବି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେୟାର ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବା କଥା ଆପଣ, ରାଇଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପୁଣି କହିବି ଆପଣ ବୁକ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ୍ସରେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ ମାରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କିମ୍ବା ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କିମ୍ବା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ରହିଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଟିଚର ଦ୍ୱାରା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେମ୍ପରାରି ହେଲ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଉଠେଇକି ପକାଇବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କହିବ କି ଟେମ୍ପରାରି ହେଲ୍ପ ବାଇ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଓଦର୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇବ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେମ୍ପରାରି ହେଲ୍ପ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ମିଳିଯାଏ, ତାକୁ ହେଲ୍ପ ଟିକେ ମିଳିଯାଏ, ତାକୁ ଗାଇଡ଼ ଟିକେ ମିଳିଯାଏ, ତାପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି, ଜେଡ୍ ପି ଡି ହେଇଗଲା, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ଉପରେ ରହିଲା ଏମ୍ କେ ଓ,
ରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ କେ ଓ କୁ ବୁଝିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମ୍ କେ ଓ କ'ଣ, ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ସମ୍ ୱାନ୍ ହୁ ହେଜ୍ ଏ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଏ ହାୟର ଏବିଲିଟି ଲେଭେଲ୍ ଦେନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟାସ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ କନ୍ସେପ୍ଟ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନଲେଜ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏମ୍ କେ ଓ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ? ବାସ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇଗଡ଼ସ୍କିଙ୍କର କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ଥ୍ରୁ ଓକେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଥର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ। ଥର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆର୍ ଇନିସିଆଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଓ ଭାଷା। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଥଟ୍ ଆଉ ଭାଷାଟା ମର୍ଜିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ଇୟର୍ ଏଗୋ। ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି ତଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଟ୍ ଦି ସ୍ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତିନୋଟି ଫର୍ମ ଏଠାରେ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠାରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ମର୍ଜିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଏଠାରେ ରହିଛି ଫର୍ମ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି। ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଠାରେ କ'ଣ, ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍। ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁଟାକି 0 to 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସୋସିଆଲି ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତି, ସମାଜ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ୟାର ମାନେ ବୁଝିଗଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା। ତାପରେ କହିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ହେଇଥାଉ, ୟା ମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥାଉ, ନିଜକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଉ, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥାଉ ନା, ଓ ତୁ ଏମିତି କର, ତୁ ସେମିତି କର, ଯଦି ଏମିତିଟା ଏମିତି କରିବି, ନିଜେ ନିଜେ କହିବା, ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି କରିବି ସେଇଟା ସେମିତି ହେବ। ତ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଅକ୍ସର ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, କି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ପକାଇବି, ମୁଁ ସେଇଟା ଏମିତି କହୁ, ନିଜେ ନିଜେ କହୁଥାନ୍ତି, ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ କେବେ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୟସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ିକି ପଢ଼ିଦେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ 3 ଇୟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଭାଇଗଡ଼ସ୍କି, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ, ବା ସେଲ୍ଫ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପିଆଜେଟ୍, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟା ବୁଝିଗଲେ, କି ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଏମିତି ନିଜ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖ। ବାକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ନିଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯେମିତି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଗୋଜ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ କି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ କଥା ହେଉଛି। ପୁଣି ଆସିଲା ଆମେ ତାହାରୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବୟସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆମକୁ ହେଇଯାଏ, 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ନିଜକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କହିବା, ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବା ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି କିଛି ବି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ସମୟରେ ଭାବିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଗୋଜ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଡିମିନିସିଂ ଇନ୍ ଅଡ଼ିଓବିଲିଟି ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇନ୍ ଟୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଜାଗାରେ, ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ କ'ଣ, ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଶିକ୍ଷଣ କରିବା, ଯେମିତିକି ଟିଚର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଜଣେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, 4ଟା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାକୁ ପଚାରିପାରିବ, ଏଇ ଏ ପିଲାକୁ ପଚାରିପାରିବ, ୟା ସହିତ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ କିଛି ଇଏ ଟିଚର୍ ବି ଶିଖିଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରାଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କଲା, ସମରାଇଜ୍ କଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କଲା କି ହଁ ସେଇଟା ମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍, କେତେ ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିଲା କି ସେଇଟା ଠିକ୍। ଆଉ ସେଇ ସହିତ ଟିଚର୍ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତି ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ
लर्निंग जोटा कि साइए कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग समान जिनस मल्टीपल ग्रुप मिसिक यहाँ करती मुख्यतः माने गोटे ग्रुप ग्रुप जो साहय कराकोरी हमें कह गोटे पियर्स गोटे स्टूडेंट आ गोटे स्टूडेंट को हेल्प कर से गोटे चैप्टर जाणी आ गोटे पिला गोटे चैप्टर जाणी ये आपको बुझेला ये या बुझेला तो जो यहीटा आपन को कह कोऑपरेटिव लर्निंग आम कह कोलैबोरेटिव लर्निंग क्लियर तापर ग्रुप पार्टिसिपेशन माने कौन कि गोटे डिस्कसन जो होता है ग्रुप पार्टिसिपेशन माने गोटे डिस्कसन होती पिला जाए कि कौन गोटे जॉइन कला तो सही थे कौन हो पिला जो जो भितर डिस्कशन चली आलोचना करगला पियर ट्यूटरिंग पियर ट्यूटरिंग कौन परस्पर सांग बुझा बुझी हेबा माने गोटे सांग अच्छे से सांग को पचारा कि यहाँ कहीं एमती है से बुझेबा पियर ट्यूटरिंग जेड पी डी आम पढ़ले जोन अफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एम क्यू आम ऑब्वियसली पढ़ले मोर नॉलेजेबल अदर एंड स्काफोल्डिंग जोटा कि टेम्पररी हेल्प देन को मैटर को लेकिन एठार कौन कर क्रिटिसीजम कर बुझा ए क्रिटिसीजम कर प्रथम कारण हूँ कि ये एज को छाड़देले एज कि कनसीडरेसन रही जमीक डज नॉट एक्सप्लेन एज रिलेटेड चेंजेस एज को लेकिन जो प्रकार परिवर्तन आसला कि आसे आम भितर ताकू डिस्कसन कले जोटा कि आप जापर फास्ट एग्जाम एमती नुह कि क्रिटिसीजम आसे नहीं आसे कहीं क्रिटिसीजम ही आपन को गोटे प्रकार हाई बेस नॉलेज दे था कि आपत क्रिटिसीजम करते चैप्टर को ठीक ठाक बुझी चैप्टर को ठीक ठाक आपन को नॉलेज अच्छे डज नॉट एक्सप्लेन स्टेज वाइज डेवलपमेंट जमी पियाजेट थी कि जीरो रु दुई वर्ष तार यही समयटा पुणी यही गोटे बयस को से डिवाइड कर दे कि सात रु ऊपर बयस को कौन केमती है था तो ये सेमती स्टेज कर नले ये डायरेक्टली देते आप देखी थे आम एम क्यू स्काफोल्डिंग यहाँ सब पढ़ी देन आम देखिए कि ये कौन कले बायोलॉजिकल मैच्युरेशन उपर कौन प्रकार ये टिप्पणी दे कौन प्रकार इंपोर्टेंट दे गुरुत्व दे कहीं आमर जहाँ भी नॉलेज एमती भी हुए कि आमर मैच्युरेशन बायोलॉजिकली होता है मैंने निजर बापा जदि ठीक ठाक नॉलेज रो तो बहुत चांस कि तार पुओ ठीक ठाक नॉलेज रही आसब जदि निज बापा ठीक ठाक व्यक्ति तो पुओ भी ठीक ठाक आसवर बहुत चान्स थाए दिस इज प्रोबेबिलिटी जोटा कि अधिकतर देखा जाए देन ये कौटा इग्नोर करदे सोशल इमोशनल एस्पेक्ट को डेवलपमेंट रे इग्नोर करदे आए सबकि इट इज नॉट रिलेवेंट इन ऑल कल्चर आ गोटे जिनस यहीटा सब कल्चर रे रिलेवेंट नुहे माने ये खाली रूसिया रो कल्चर को देखिकी लिखिदेले किंतु सब कल्चर रे यांकर जो थियोरीटा रिलेवेंट नुहे लागू हो पारि न था तेणुकर यहाँ भी गोटे आपड़ आउ थे देखी नि चार पांचटा पॉइंट कहीदेली एवं देखा कि एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कौन रही प्रथम हूँ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी समाज को लेकिन आम कौन कर बहुत किसी नुआ कर जगह टीचर को गोटे कौन फैसिलिटेटर हिसाब से देखा ये जेड पी डी जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अच्छी से शिशु पिलापर जहाँफल से निजर माइंड को यूज करेंगे टास्क हिसाब से घर जाइए स्काफोल्डिंग जो कहे जो आप कौन स्काफोल्डिंग कथा प्रोवाइड करिबा माने हिंट्स देवा छुआ को बुझेबा पिला को तापर रेसिप्रोकल टीचिंग देवा पियर ट्यूटरिंग भितर कि समस्त ग्रुप हो डिस्कशन करिबे से मानकर मध्य नॉलेज आसिबो तापर पिला माने आसिला भाइगोट्स्की देखंतो एतले मु बहुत ही माने खराब हैंडराइटिंग रे एटा किछि पॉइंट लिखी जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये एक्चुअली फंडामेंटल रूल बा सोशल इंटरेक्शन उपर बहुत स्ट्रेस देथिले से कम्युनिटी प्ले आउ सेंट्रल रूल रो प्रोसेस उपर विश्वास करुले ये जिनसा पूर्व कही कि आउ थे देखी ना कौन डिफरेन्स बायोलॉजिकल मैच्युरेशन बोल कि पियाजेट कहते बारंबार कितु भाइगोट्स्की कहले कौन सोसाइटी आउ कल्चरल एक्सपीरियंस विषय डिस्कशन कले क्लीयर पियाजेट कहले कि डेवलपमेंट हूँ डिसकंटिन्युअस प्रोसेस ये कंटिन्युअस प्रोसेस नुहे ये कहले कंटिन्युअस प्रोसेस पियाजेट कहले कि कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी ये भी कहले क्वेश्चन पचार कि पियाजेट और भाइगोट्स्की भितर कौटा समान कौटा कमन बोलिक पचार जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है कमन ये कहले कि प्रथम डेवलपमेंट हम तापर आम लर्न करपर ये कहले प्रथम लर्न करवा डेवलपमेंट हम तापर देखते ये कहले
फास्ट है थिंकिंग प्रथम आम चिंता करवापर आम लांगुएज आसो कि भाइगर्स की ओलटा कहले भाइगर्स की कहले कि प्रथम आम कौन करवा हाँ ये कहले कि पारालेल जाए आपण लांगुएज आउ थिंकिंग बोथटा सेपरेट सेपरेट जिनस आपटा को इंटरनेट लिंक करें कि जन व्यक्ति जो लांगुएज जानी कि लांगुएज ताक आसनी तो से चिंता करमती किसी नुहे ये कहले कि लांगुएज एंड थिंकिंग बोथ सेपरेट जिनस जोटा कि पारालेल जाती तापर हेरिट ये कहले कि हेरिडिटी गोटे इम्पोर्टेंट जिनस कहले ये कहले एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट आउ एडल्ट को ये कहले कौन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडल्ट को एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल थ्योरी को आम पढ़ा आउ आपन को जानवाक चाहिए आम आपन को ओटीईटी प्रिपेरेसन कराऊ आपड़ जब पैट कोर्स ने चाहते 149 टोटल कोर्सेस आपण बाय करें से आपण को जहाँ भी सिलेबस रही सिलेबस हिसाब से वीडियो मिली नोट्स मिली हैंड रिटन नोट्स आपण को क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज मिली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आम प्रोवाइड करूँ तो आपण नेबा को चाहूँगी तो आप 6371239118 आप कांटेक्ट करें चलते स्टार्ट करवा एरिक्सन जो थ्योरी रही है साइको सोशियो थ्योरी कौन प्रथम इंट्रोडक्शन देखा कि एरिक्सन ये जन्म होते 15 जून 1902 जर्मानी में तेणुक जर्मानी जर्मान अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी कह जाए मन रखु ये फ्लुएडर स्टूडेंट थे आर जो थिरीटा यहाँ बहुत इंपोर्टां स्टार्मार्क पड़ी देखूँ तो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी ये जो थ्योरी देखते यहाँ लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी यहाँ एग्जाम पचारि दिए साइको सोशल थ्योरी यांकर थ्योरी को कहा जाए था आपड़ यहाँ भी मन रखत यहाँ को फादर ऑफ साइको सोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बोली कहा जाए आउ यांक थ्योरी मुख्यतः कॉन्फ्लिक्ट आउ कन्फ्यूजन रु ही गोटे क्राइसिस बनी जोटा कि टोटल स्टेजेस ये जिनस हम पढ़ा कि कौन रही मानने गोटे कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट कौन रही तार जो क्राइसिसटा कौन रही जमीक गोटे नेगेटिव आ गए पॉजिटिव सब आम देखा जमीक मुझे आपन को देखा एरिक एरिक्सन जो स्टेज रही साइको सोशल डेवलपमेंट तो एप्रोक्सीमेट एज एठार देखा कि कौ बयस कौ प्रकार क्राइसिस मुख्यतः देखा को आम पाई आउ प्रकार से समय डेवलपमेंट होता है जमी देखु आप देखिए इनफांट रु 18 मास पर्यंत से जगह ट्रस्ट आउ मिसट्रस्ट ये दुई प्रकार आपणकर क्राइसिस देखा मिलता है यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आसी था कि बुझाऊँ कौन ट्रस्ट आउ मिसट्रस्ट मान कौन ट्रस्ट आउ मिसट्रस्ट मान जन को विश्वास करवा आ अविश्वास करवा जमी छोट छुआ मैंने कौन करते जो छुआर वयस 18 मास भितर होता है तो कई जदि आंटी की कई जदि दादा डाकुं तो से कौन कर निज माँ कोल थे भी से पाख को पल जाए तो कौन हो जाए ये जगह कौन हो ट्रस्ट एटारे से ताको विश्वास करुच्ची ट्रस्ट करुच्ची तो से सेम जगार कौन हो जड़े जड़े आंटी डाकुं कि आंटी पाख को जाऊनि यानी से जगह मिसट्रस्ट करुचे से विश्वास करूनी से आंटी उपरे तो ये जिनसटा ये कहा जाऊँ कि 18 मास भितर यानी इनफांट रु जो 18 मास समयटा को कौ प्रकार क्राइसिस थाए आइदर से ट्रस्ट करिबा किमा मिसट्रस्ट करिबा आई समय होप रो डेवलपमेंट होता है यहाँ मुखस्त कर देवे एग्जाम पचारे देन 18 मास जो 3 वर्ष समय रही है यही आम कही था ऑटोनॉमी एंड वर्सेस सेम और डाउट जमीक ऑटोनॉमी माने कौन से निजे निजे करवा गोटे स्टूडेंट बा गोटे शिशु से निजे निजे करवाक चाहे निजे निजे कपड़ा पिंधिबा को चेष्टा करिबो निजे सूज पिंधिबा को चेष्टा करिबो निजे माने निज जो कपड़ा बा निज जोता को सफा करने चेष्टा करिबो तो किसी भी काम निजे मैं निजे निजे करिबा को ताको हम ऑटोनॉमी बोली कहिबा किंतु से ही जगार मान लो माँ बापा कहूँ ए तोते मैंने जोता पिंधि आसेनि तोते ड्रेस पिंधा आसेनि तोते एटा तू करी भल से जानूनु तो ये प्रकार कहला परे कौन होता है ना से टिके लाजे ही जाए बा निजो को सेल्फ डाउट हो जाए थाए तो जोटा कि सेम जिनस देखु कि गोटे जगह से कौन करुचे निजे निजे सब कम कर गोटे जगह से लाजो लाजो करुच्ची कहीं माँ बापा गाली कर कि तोते आसेनि तो से सब कह द्वारा सेम करुच्ची तो ये दुईटा जिनस ये जगह कौन है गोटे विल पावर ता भितर जेनेट होता है किसी ना कि नुआ करने को जोटा कि 18 रु 3 वर्ष 18 मास रु 3 वर्ष समय
तापरे तीनी मासरु पांच वर्ष जो तीनी वर्षरु पांच वर्ष समय रही था एथिरे इनिशिएटिव आउ गिल्ट आमे देखिबा से सेम जिनिस ये इनिशिएटिव माने से निजे निजे गाधोइबा को चेष्टा करिवो निजे निओ निजो मुह को धोइबा को चेष्टा करिवो किंतु सेही जगह रे बापा कहउ जंदी काई तू गाधो छ तो मां तो गोथै दो तोते कोन तू देह सारा मैला कोन तू सफा करि पारिबो एमति किछि बापा जतले कहउ जंदी से कोन करू छी गिल्ट फील करू छी कि हां मते किछि आसुनि मते खाली गाली करू जंदी बोले किंतु सेते जते आमे जदि ताको आमे एनकरेज करबा मोटिवेट करबा कि हां नहीं तोते आसी तू भलो ए माने शाबाश देला कि हां निजे निजे गाधोउची निजे निजे ड्रेस पिंधुची तो आमे से जगह रे कोन हबो तारो मेंटालिटी रे से ठीक रहइबो यानी इनिशिएटिव ओ गिल्टी होची सेइटा गुटे पर्पस हिसाब रे एटा को नहीं थाए मन रखंतु तापर 5 रु 13 वर्ष जो समय रहिची एटा गारे दुइटा जिनिस मन रखंतु गुटे होची इंडस्ट्री आउटे होची इनफेरियोरिटी इंडस्ट्री माने होची हार्ड वर्क बहु अधिक रो अधिक काम करिबा अधिक रो अधिक परिश्रम करिबा एई समय रे शिशुटा कोन थाए 5 रु 13 वर्ष रे अधिक रो अधिक हार्ड वर्क परिश्रम करि थाए प्रत्येक क्षेत्र जो भी काम करिवो पूरा हार्ड वर्क देके काम करिवो जदि खेलिवो बहुत हार्ड वर्क करिवो तो सेई थिरे आमे कोन होबा एई जगह रे इनफेरियोरिटी भी आसी जाय कि मां बापा कहउ जंदि कि तोते किछि आसिलानि बिना पाठ पढु छु ना माने किछि किछि काम करू छु ना तोते आउ किछि आस खेलो खेलो आसु छि एमिति मां बापा काम करू छन ताको एनकरेज जगह रे तार ओल्ड ओलटा करू छन तो सेई जगह रे से कोन होय ता भीतर इनफेरियोरिटी आसु छि कि हां निजो को से कोन करू छि टिके समस्तन को ठाल टिके तल को माने नीचो भाव छि तो एई जगह रे कौन है थे 5 रु 13 वर्ष बयस भितर इनफेरियोरिटी आसी जाए था किंबा इंडस्ट्री यानी बहुत हार्ड वर्क करि थाए जोडो को हमें कॉम्पिटेंस बोलिकरि कहिबा तापर 13 रु 21 वर्ष बयस देखंतु कौन रहै छी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन यानी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन माने कौन 13 रु 21 वर्ष रे ये कौन करिवो गुटे आइडेंटिटी बनैबा को चेष्टा करिवो आउ एई जगह कन्फ्यूजन भी हि जाय जेमिति कि मु कहू छी सुनंतु एग्जांपल सचिन तेंदुलकर उनकर आइडेंटिटी कौन क्रिकेट क्रिकेट किंतु मु आपन को एग्जांपल देली कि मु आपन को एग्जांपल देली माननंतु एटरे आमे गुटे सचिन तेंदुलकर आपन को एग्जांपल नाला जहार आइडेंटिटी होउछ क्रिकेट काहेकि ना से क्रिकेट छणा ओ किछि करि नहंती किंतु आमे जदि चेतन भगत रो एग्जांपल लवा चेतन भगत कोन करिसंती आपन जानि जंती चेतन भगत जणे आईआईटी है से आईआईटी तापर से जणे इंजीनियर तो तापर से जड़े पुणी से बैंक रे चाकरी करूथले पुणी तांकर बहुत सारा नोवेलिस्ट अछि बहुत सारा पुस्तक लिखि जंदी तो ये कोनोसी ते सेमिति यांकर माने क्वाइट आइडेंटिटी नाही सबुतिरे कम कम से कोन करचंदी अचीव करचंदी तो गुड कन्फ्यूजन हे जाय कि तांकर एक्चुअली आइडेंटिटी कोन तो एटा रहूछि एई समय रे एमति हिताय कि निजर आइडेंटिटी बना जाय कि गुटे क्षेत्र रे जीव तो से निजर आइडेंटिटी बनेइबो किबा सबु टिके टिके कहिबा द्वारा कन्फ्यूजन हो जोटा कि आप फेडेरिलिटी कहीपरेंगे तार फेडेरिलिटी डेवलपमेंट समय तापर आम देखा कौन 21 रु 39 वर्ष जो भितर रही यू इंटीमेसी आउ आइसोलेसन कह इंटीमेसी मानने कौन कि मानने 21 रु 39 वर्ष भितर आम निज फैमिली बनवा जमीती कि इंटीमेसी मैंने यार अर्थ हो एग्जांपल दूसरे मैंने सचिन तेंदुलकर एग्जांपल नियंतु ये जो सचिन तेंदुलकर या कौन निज फैमिली बनैला किंतु ये जगह रे जो आइसोलेशन टा कौन है सलमान खान आप एग्जांपल नहीं पारे ये निजर तो आइडेंटिटी अच्छी किसी ना किसी से जीवन गोटे एक्टर अटे गोटे प्रड्यूसर अटे सलमान खान किंतु से आइसोलेशन होगा कहीं आइसोलेशन मैं ये फैमिली बन पारानी नॉन फैमिली होगा मानते ये बाहर न होबारु नॉन फैमिली होगा आउ इंटीमेसी कौन ना फैमिली सक्सेस यानी सचिन तेंदुलकर होगा महेंद्र सिंह धोनी होगा कौन से व्यक्ति जे फैमिली जहाँ रही देन आम रही 40 रु 46 वर्ष बयस जो रही जेनेटेटिव आउ आम स्टाग्नेशन को बुझा तो जेनेटेटिव माने कौन कि 40 रु 65 वर्ष ये भितर कौन होता है ना व्यक्ति तो यहाँ गोटे जिनस हुए कि जेनेटेटिव कर फैमिली आहरी किसी करी किंतु से ही जगार जन भावती कि मुझे तो आज जाए किसी कहीपारे कौन करी स्टैग्नेशन हो जाए कि आउ कौन करी फैमिली जहाँ तो है बयस हो गला मुझे किसी कर प्रकार भावना आसी जाए तो दुई प्रकार यही जगह केयार डेवलपमेंट होता है गोटे प्रकार कहवा
तो जन व्यक्ति कौन जेनेटिव भिटी काम करें एमती हेब कि चाकरी से करेंगे पूरा ईमानदार हिसाब से कम करेंगे टाइम टू टाइम जा क्लास करेंगे पिला केमी उपरको बढ़े से चिंताधारा मुख्यतः रोथे जीत सरकार दरमा दौरान पूरा मानते फायदा उठेबा चेष्टा करेंगे मैंने सरकार जो भी काम करेंगे पूरा ईमानदार हिसाब से काम करेंगे तो स्टैग्नेशन मानते कौन हाँ सरकार मत पैसा दूचे मुझे कले के नकले के कौन अच्छे दरमा गोटे मस पकेट पड़ो आ रही कौन से स्टैग्नेशन जोटा क्यार बोल कि आम कह तार क्यार डेवलपमेंट ये जगह हो जाए तापर देख पैंसठ वर्ष उपर जो समय रही जगह दुईटा जिनस होता है गोटे हूँ आपणकर इंटीग्रिटी आउ डेस्पेयर इंटीग्रिटी आउ डेस्पेयर मान हूँ ये जगह आपण को गोटे इंटीग्रिटी आपन को गोटे फिल हवा कथा कि जहाँ भी मुझे बहुत कली मो जीवन में जन्म हो कि जहाँ भी कली बहुत कली निज फैमिली पाई पैसा इनकम कली निज फैमिली को मो निज छुआ पिला पाठ पढ़ेली यही सब कथ भाविक निजी सैटिस्फैक्शन मिलू आ गए जिनस रोज डेस्पेयर डेस्पेयर कौन ना निजक सैटिस्फाए न मिलवा जमीक मानने मानने किसी कर पारे जीवन ना चाकरी चाकरी खंडे पाइली ना मुझे इनकम कर मो छुआ को पढ़े पारे एमती से जो सैटिस्फैक्शन न थाए आम कह डेस्पेयर आईटे कौट कौन डेवलप होता है ना विजडम डेवलप होता है तो यही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि दिए कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कौन डेवलपमेंट होता है होप एमती मुखस्त करूँ आउ समयटा मुखस्त कर दिखाँ एग्जाम पड़ो आप ट्रिक कहते ट्रिक एटे दे दीजिए देखो टाइ आप थ्री देसी मैंने क्यूब देसी आउ जी आई बोल कि देसी यानी टी ट्रस्ट ऑटोनॉमी ये सीरीयल जो रही रही कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को आलोचना करवा जो मैंने ओटीटी सीटीईटी जेटी पाई प्रिपेरेसन होती से आज भिड बहुत इंपोर्टेंट रेष जाए देखते डेली बेसीस क्लासेस आणुची निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दबे कि रखु वीडियो जो पसंद लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दि जाए जो भी क्लास हम तार पीडीएफ आपठे पाई चलत स्टार्ट कर आज क्लास को कॉलबर्ग जहाँ को मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दे कहुए एक्चुअली ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दे न था या पचर गोटे कौन हिस्ट्री अच्छे आप जन पियाजेट को जानते जन पियाजेट जेकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दे थिले तो ये प्रथम करके मोरल डेवलप जन पियाजेट प्रथम करके मोरल डेवलपमेंट उपर रिसर्च करते रिसर्च कलापर कि दिन पर कौन कले मझे मोरल डेवलपमेंट रिसर्च को छाड़ी देते आंकर गोटे स्वप्न था जन पियाजेट कि जो मोरल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं जन कम्प्लीट करूँ एंड ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट लागले तो यही जो अधूरा जो स्वप्न थी जो अधूरा थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंटा यही कम्प्लीट करने कॉलबर्ग आसी एंड यही थ्योरी को कम्प्लीट रूपे मैंने एक्सप्रेस कर ठीक अच्छे तो ये कौन करते ना किसी पिला क्वेश्चन पचारे आई क्वेश्चन पिला फिलिंगस को बुझाप चेषा कले कहीं जो क्वेश्चन गुड़क पचरा जाता सही सिचुएसन बेस्ट क्वेश्चन पचरा जाता जो थी कि गोटे सिचुएसन दिखाला आईटे अप्सन दिखाला कि एमती सिचुएसन थे कौ अपसन को तुम्हें बाछब तो यही हिसाब से आपण मोराल डेवलपमेंट थ्योरी रही कम्प्लीट आलोचना करवा निहाती आपण यही क्लासेस मजा उठातु बहुत इंटरेस्टिंग रही देखो कॉलबर्ग थ्योरी ये कॉल पूरा ना हूँ लॉरेंस कॉलबर्ग जी कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे किंतु ये कौन करिसेंती ना मोरल डेवलपमेंट को धीरे धीरे शिफ्ट होगापी बाध्य होते एंड ये मोरल डेवलपमेंट उपर काम कले ठीक अच्छे आइडेंटिटी एटा कि ये तीनोटी प्राइमरी स्टेज मोरल डेवलपमेंट तीनोटी प्राइमरी स्टेज को बनईले जहाँ मध्यम तार प्रत्येक स्टेज दुई गोटी सब स्टेज रही जमीती कि आपबी प्री कन्वेंशनल मोरल थिंकिंग कन्वेंशनल मोरल थिंकिंग पोस्ट कन्वेंशनल मोरल थिंकिंग यार मध्य दुई दुईटा स्टेज रही जोटा कि आम यो तीनो स्टेज रही इलेबोरेटली पढ़ा आपण माइंड को प्रेसर दिंतनी रईट एति जाणीगला कि लॉरेंस कॉलबर्ग जी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे ये वर्तमान आपण को मोरल डेवलपमेंट देखते आंकर तीनो प्राइमरी स्टेज रही जार ना हो प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल देखो यांकर मुख्यतः
दुईटा टर्म रही इम्पोर्टेंट टर्म गोटे हूँ मोराल डिलेमा आ गए हूँ मोराल रीजनिंग आप ध्यान देखे बुझे मोराल डिलेमा मैंने कौन कि गोटे एग्जांपल दूँ गोटे लेडी अच्छी गोटे झीटे अच्छी गोटे लेडी टीए ये या सहित बापा आउ हस्बैंड जाऊँच राइट तो ये कौन कले गोटे नई को पार होगापी डंगे बसिले किसी दूर गला जनागला कि डंगा संभाली पारे तीन जन को तो यही सिचुएशन रे ए लेडी को डिसीजन नबार थिला कि सी निजे डिया मारिदेव पानी को आउ ता हस्बैंड ता बापा को बचेदेव गोटे एज अप्सन होगा ये किंबा से ता बापा को टेलीदे माने पानी रे टेलीदे से निजे ता हस्बैंड बचीजे दुईटा एज अप्सन है तीन नंबर तापाई कौन ऑप्शन थिला ना ता हस्बैंड को पहली दे ता निजे एंड ता बापा को बचे पारिबो तो ए तीनोटी ता पाके एज ऑप्शन रही पाइला ए सिचुएशन रे तो ये कोटा चूज करिबो आपण थोरटे भावंतु तो जेहेतु माने एठारे समस्त इम्पोर्टेंट ता बापा भी इम्पोर्टेंट ता हस्बैंड भी इम्पोर्टेंट से निजे भी इम्पोर्टेंट तो ए समय रे कौन हेता है ना जो सिचुएशन बेस्ट रही था जो सिचुएशन है गोटे गोटे एमती सिचुएशन आसी था जो सिचुएशन आमको बाछवापी ऑप्शन को बाछवापी डिफिकल्ट होता है तो यही प्रोसेस को आम मोरल डिलेमा कही था जमीती कि ये लेडी रो एग्जांपल आम जान ला जो जो समय से भावुची कि क्या से बाछब तो ये प्रोसेस जो समय को आम कौन मोराल डिलेमा कह तो जमीती कि से जड़े एमती व्यक्ति को बाछब गोटे एमती स्टेप नेब जोटा कि बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन या माने कौन कि बहुत कम क्षति होती जमीती कि मुझे एग्जांपल दूचे मान लियंतु सहित गोटे छेली अच्छी एग्जांपल से छेली को पेली दे सब गोटे प्रकार कम क्षति अच्छी कम क्षति अच्छी ना नहीं तो ठीक से ही बोली गोटे एमती आम सिचुएशन गोटे एमती स्टेप ना जोटा कि सबुठू कम क्षति हे ठीक अच्छे तो आम एटे जाणीगला कि मोराल डिलेमा कौन ना गोटे सिचुएशन जोटा कि बाछवापी आमको डिफिकल्ट होता है चूज करने डिफिकल्ट होता है मोराल डिलेमा कहवा मुझे जानी आप कम्प्लीट बुझी नए एवं बुझे मुझे बुझे रुहतु तापर देखो मोराल रिजनिंग कौन मोराल रिजनिंग कौन मोराल रिजनिंग है कि जिते बेले फाइनाल जजमेंट हो जाए कि से जो लेडीटा जिते चूज कर नब कि बापा को फोपाड़ा को चाहिए ना ता हस्बैंड को ना से निजे डिया मारे को चाहिए सहीटा जिते बेले फाइनाली से जजमेंट जिते बेले से ऑप्शन को चूज कर दिए फाइनाल जगह को पहुँची जाए से मोराल रिजनिंग कहवा बुझेगा बुझेगा ना मुझे एग्जांपल देख बुझे ठीक अच्छे मान लियंतु आप गोटे एग्जाम आपणकर गोटे दिन एग्जाम अच्छे आपण को संडे 15 तारीख रे एग्जाम अच्छे एग्जांपल नहीं दिखे आपण गोटे दिन तीनोटी एग्जाम हो गोटे आपणकर गोटे एग्जांपल भल एग्जांपल दूँ यहाँ ओ टी टी होगा आपणकर हूँ सीजीएल होगा दे आपणकर ओपीएससी अच्छे से गोटे दिन में आपको तीनोट एग्जाम देजार अच्छे तो आपन को पचारे कौ आप मध्य कौ एग्जाम देजे ये थिंकिंग जो रोचे आपणकर दैट इज कॉल्ड मोराल डिलेमा आपड़े डिसीजन ने कौ हिसाब से डिसीजन ने ना बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन डिसीजन ने कि कौटा आपड़ एटे बाछले आपण कम क्षति रही जमी आप ओटीटी पढ़ी किंतु आप पढ़ी ना सीजीएल आपण पढ़ी ना ओपीएससी ओटीटी पर आप जानते जेटी बाहर जोटा कि 20,000 पोस्ट बाहर तो आपन को देखागला कि मुझे तो सीजीएल पढ़नी ओपीएससी पढ़नी तो सीधा मुझे ओटीटी ही तो पढ़ी तो ओटीटी दे मो पक्षे ठीक रो तो यू सीजीएल और ओपीएससी नदे भी ताकि हानिकारक किसी क्षति पड़ू कितु से क्षति होनी तो ये कौन करी को बाछी दे तो ये जो फाइनाली बाछला जो ऑप्शन को हाँ मत ओटीटी एग्जाम देवार अच्छे यही समय कह मोराल रीजनिंग तो यही आपंकर हूँ मोराल डिलेमा और मोराल रीजनिंग भितर डिफरेंस ठीक अच्छे जमी आ गए एग्जांपल दे पारि मुझ मोराल रीजनिंग माने कौन
ना आपणकर कैंडिडेट उचित उठी ए बी सी एंड आपण तो गोटे व्यक्ति कौन कर ना बाछबार अच्छी ए भल लोक ना बी भल लोक ना सी ना डी तो जो व्यक्ति को भल लगे से कौन कर मध्य जन को बाछब तो जो बाछीदेव से बाछला कह से मोराल रिजनिंग बुझीगला मो कथा तो आपण को गोटे सिचुएसन सबटा कि सीमिलार लगे ठीक अच्छे किंतु आपण जितेबाला सेटा चूज कर दिखती चूज कलापुर मोराल रिजनिंग और जो समय आप कन्फ्यूज पड़ती कौन बाछबी कौन बाछबी से समय को मोराल डेलेमा कह यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिली आपटू डाउनलोड करेंगे रईट देखो ये लिखाई जिते बेले ऑप्शन चूज करवा ताहा मोराल डेलेमा आ चूज कलापर मोराल रिजनिंग जोटा कि जजमेंट बोली कहटे मुझे लिखिदे थिंकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग होची आपणकर मोराल रीजनिंग एंड आपणकर बेस्ट ऑप्शन चूज को आम कह तो आप बुझी जाइए आ गए आसा आपणकर हाँ ये आपणकर कलबर्ग जो थी ये मुख्यतः यही एस्पेक्ट उपर ध्यान दूसरे जे कि एमती जो सिचुएसन हुए तो सी कौ कौ हिसाब से चूज कर कौटा राइट एंड कौटा रॉन्ग बोल कि से बाछब से आपणकर कौन आपणकर से ही एस्पेक्ट को से मुख्यतः ध्यान देकर मोराल डेवलपमेंट को थ्योरी को देते एटे आ गए इंटरेस्टिंग रही देखु हेन्स डेलेमा ये जो व्यक्ति थे यहाँ उपर ही यही सब एस्पेक्ट को ये बन जो प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल आउ पोस्ट कन्वेंशनल एंड आप डेलेमा और आपणकर जो रिजनिंग रोचे तो यही आप बन मुझे क्लीयर करूँ देखु हेन्स डेलेमा जन व्यक्ति ना यहाँ पर रिसर्च कर ये यहाँ जो पत्नी थे तो यहाँ पत्नी कंडीशन मैंने हेल्थ कंडीशन टा बहुत ही क्रिटिकल थिला तो सी कौन कले हेन्स डेलेमाटा पाखे हॉस्पिटल को गले एंड सेठे केमिस्ट पाखु से कौन कहले पत्नी विषय कहले कौ कौ प्रकार समस्या पत्नी रही कि से जो समस्या कहले से जो केमिस्ट थे सी टैबलेट स्क्रिप्ट बाहर कहले डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट स्क्रिप्ट आउ दे आउ ए जो टोटल आपणकर अमाउंट हो 10,000 टंका कहले क्या ना हेन्स डेलेमा कहले कि 10,000 टंका तुम पाखरे ना 8,000 टंका अच्छी 8,000 टंका तुम रख आ 2,000 टंका मत डिस्काउंट देके मत मेडिसिन दे दियो तो केमिस्ट कहला कि ना तुम्हें फेरी जाओ मुझे प्रकार डिस्काउंट देवी कि मुझे 8,000 टंका रखेबी मत तुम 10,000 अच्छे तुम 10,000 देकि मेडिसिन नियो तो सेटारे जो हेन्स डेलेमा थी यहाँ समस्या यहीटा कि पत्नी को कंडीशन बहुत खराब तो ये कौन घर को फेरी आसबे कि आपणकर हेन्स डेलेमा दुईटी आपणकर ऑप्शन आसला हेन्स डेलेमा दुईटी एटार ऑप्शन आसला गोटे हूँ कि से रिटर्न करेंगे और पत्नी को सेमती छाड़देवे कि मरवापाई जेहतु खराब अच्छी कंडीशन किंबा से चोरी करेंगे कि स्टोलन एटार दुईट ऑप्शन पाखे रहा जो सिचुएशन बनुसी ये सिचुएशन को हमें से डेलेमा मोराल डेलेमा कही था तो हेन्स डेलेमा कौन कले कि से फेरबे नचे कार्ड चोरी करके पैसाटा देकि मेडिसिनटा नहीं कि तो हेन्स डेलेमा कौन कौन कले भाविले रिक्वेस्ट भी कले कि भाई मत दे दि मो पत्नी जो मानने अवस्था बहुत खराब अच्छे तो मत मेडिसिन नाक बहुत जरूरी राइट तो जिते बेले से रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट से किसी मान ना से डिसाइड कले कि चोरी करी कहीं चोरी करी ना एटारे गोटे बेस्ट पॉसिबिलिटी आमको चूज करने पड़ो जदि देखु ये जदि चोरी न कले पत्नी देह खराब अच्छे ये मानने मृत्यु होदि रिटर्न कले तो ये कौन कले गोटे बेस्ट चूज कले जोटा कि मैंने हिसाब से जो बेस्ट था सीटा चोरी जिते बेले से स्टोर को बंद कर मेडिकल स्टोर को से ताला को भांगिक जो मेडिसिन थिला से मेडिसिन लेके पलैंट मान घर को जाके पत्नी को ट्रीटमेंट करके पत्नी को बचाई दे तो यही सब को लेकिन कॉलबर्ग कौन कर
बहुत सारा स्टूडेंट को मान चारोटा कैटेगोरी स्टूडेंट को नहीं आई विषय को लेकिन पचार्स डेलीमा को लेकिन स्टोरी को लेकिन बहुत सारा पिला बहुत सारा आपणकर कौन ओपिनियन एटारे मागिचंती एंड से ओपिनियन रु से माने कंक्लूजन पहुँचुंट कि हाँ आम जब यही सिचुएसन रहा बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन चूज करवा दरकार तो एंड यो हेन्स डेलेमा जो सिचुएसन बेस आपणकर ये ठीक हिसाब से मैंने मैंने से ठीक ऑप्शन को बाछी दिले बोल के प्रूफ मिलला कि तो सेटा कथा नुह कथा हूँ कि हेन्स डेलेमा आम यही थ्योरीटा पाई जो डेलेमा आउ रिजनिंगटा तो यही आप हेन्स डेलेमार आपणकर स्टोरीटा तो गला हेन्स डेलेमार बुझीगले समस्ते हेन्स डेलेमार थ्योरी कौन तो यही सब एस्पेक्ट को लेकिन कौन करोटी लेवेल को डिवाइड कर कॉलबर्ट ठीक अच्छे कॉलबर्ट कौन करोटी लेवेल को डिवाइड कर सब एस्पेक्ट को लेकिन मुझे बहुत इजिली मुझे क्लीयर करने चेषा करी जमी देखो प्री कन्वेंशनल ये प्री कन्वेंशनल हूँ यही आप चाइल्डहुड एज को आम प्री कन्वेंशनल बोली कहवा जो थी कि मुझे स्टार्टिंग कहली प्रत्येक आपणकर प्रत्येक लेवल दुई गोटी स्टेज लेखाई अच्छे मुझे जमी प्री कन्वेंशनल स्टेज रोकर दुईटा रनभेनसनाल दुईटा स्टेज एंड आपंकर पोस्ट कन्वेनसनाल दुईटा स्टेज तो फास्ट स्टेज रे एंड सेकंड स्टेज रे कौन रही है यही क्वेश्चन आपको पचारे प्री कन्वेंशनल स्टेज फास्ट कौन कह ओबीडियंस एंड पनिशमेंट माने यहाँ जेहेतु चाइल्डहुड एजटा जो छोट छोट छुआ को आप देखिथे दंड को डरिकी से मैंने कथा मानि जाती माने गोटे छोट छुआ को डाकबे पढ़ापी से पढ़वनि आप पनिश करेंगे बाडेप चेष्टा करेंगे तो से ही समय से कौन कर डरिकी से पढ़ा स्टार्ट कर तो यठार से कौन है डरिकी से ओबीडियंस कर डरिकी कथा मानुचे तो यही आप फास्ट स्टेजटा कि कौन सी जिनस को आम जब मानने हाँ छोट छुआटा कौन करता है ना पनिश्ड को डरिकी से ओबीडियंस कर मन रखु फास्ट स्टेजा सेकेंड स्टेज ये कौन देले ना इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज तो यही जो प्री कन्वेंशनल कौन होता है ना जदि छोट छुआ आप तार जो पेपरटा चिरी टीयर कर दूसरी चिरी दूसरी तो आपण पेपर भी कौन करेंगे से चिरी दब आप गोटे मानने चापुड़ा मारी दूसरी तो आपण को भी से कौन कर गोटे चापुड़ा मारी नब जदि आपण किसी गाली करूँ से भी डायरेक्टली गाली कर माने सीधा कथा हो कि भी जदि यही समय कि आपड़ कहे तार एक्सचेंज मिलजि आपन को ताने कि टीट फॉर टैट यानी जैसा को तैसा यटा को से टीट फॉर टैट बोली कह जाए जमी व्यवहार देखेबे सेमती से देखेब तो से कह इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज बोल के कहुए मन रखु नेक्स्ट आम जाना देखूँ से जो आप कन्वेंशनल एडोलेसेंस एज बोली कह कहीं एडोलेसेंस आम कन्वेंशनल मुख्यतः आम पाई तो यही भी आप दुईटा स्टेज रही गोटे हूँ आप थर्ड एंड फोर्थ तो थर्ड में आपंकर रही देखो इंटरपर्सनाल रिलेसनशिप ये कौन होता है यही मुख्यतः कह जाए कौन ना गुड बॉय नाइस गर्ल गुड बॉय गुड गर्ल गुड बॉय नाइस गर्ल बोली कह जाए मन रखु एग्जाम क्वेश्चन आसे यही समय रे माने समाज रे से देखे निजक देखेबापी भल पढ़े भल खेले हला परिश्रम करी कौन करने ना फेस क्रिएशन करने निज सांगसाथी को देखेबापी स्कूल रे टॉप करने को चेष्टा करे टीचर ठारु एप्रिसीएसन पाइबापी ये कौन करे ना इंटरपर्सनाल रिलेशनशिप आम कहवा यू है इंटरपर्सनाल रिलेशनशिप तो गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज बोल के यहाँ आम कह बुझेगा तो कन्वेंशनल आपंकर एडोलेसेंस देन आपंकर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर आपड़ ये पढ़ की जाणी जाए कि जो भी सोसाइटी रे आप एस्पेक्ट गुड़ाक थी रूल गुड़ाक थी रेगुलेशन गुड़ाक थी सीटा को मानिक चलने चेष्टा कर मानु समाज में आपणकर बहुत सारा ट्रेडिशन गुड़ाक थाए तो सहीटा को मानिक चल जमीक माने कहार जो बापा मरीगले कौन
चंदा कर जदि कौन से पूजा हो जी, जो पूजा रे जो प्रकार रूल गुड़ाक रही है सीटा सब मानव तो यह मान हूँ कि समाज में किसी भी रूल रेगुलेशन हो गला जोटा भी हो आपर कल्चर हो कि आपण समाज में जो अलग 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 रूल गुड़ाक थाए से सब उपर सी कौन होता है सब एस्पेक्ट उपर ध्यान दे था यही मानवाक चल मानवाक चेस्टा करेंट तो ये आपंकर कन्वेनसनाल हो गला तापर आप पोस्ट कन्वेनसनाल पोस्ट कन्वेनसनाल पोस्ट एडोलेसेंस भी कहवा यहाँ को तो ये कौन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट तो यही समय कौन होता है आप वयस को धीरे धीरे बढ़े कि आप निजे भावंतु कि गोटे गोटे छुआ जितेबले से पनीशमेंट को देखिक ओबीडियंस करूला से आग को जाकि कौन कला ना एक्सचेंज एंड इंडिविजुअलिज्म कला किसी जमी व्यवहार जन देखा सेमती व्यवहार ये भी देखा तापर कौन है ना किसी फेस क्रिएसन कला मानने लोक निजर जो एबिलिटी देखेपी चेषा कला तापर कौन है जो भी समाज रे रूल रेगुलेशन रही से मानिक चलने चेष्टा कला तापर से एमती गोटे समय आसला कि जो निजे निजे से डिसीजन नेला निजर प्रिंसिपल रहा सेल्फ प्रिंसिपल रहा पांच नंबर स्टेज रे जोटा कि सोशल कंट्रास्ट मान कौन ना सोशल कंट्राक्ट मान हूँ जोटा समाज पर भल समाज पक्षे जोटा आपणकर जनमंगल से आम सोशल कंट्राक्ट बोली कह तो इंडिविजुअल राइट माने कौन माने जदि मानि गोटे रूल अच्छी से रूल मानवा द्वारा से रूल मानवा द्वारा आपण को समाज प्रति अमंगल हो समाज को समस्या हो समाज प्रति क्षति रही इंडिविजुअल राइट से लगे यानी से ही रूल को से भांगिदेव से रूल को मानवनि है जो समाज पक्षे खराब रही समाज को जो हानि रोचे से ही रूल को भांगिदेव जोटा कि पोस्ट कन्वेनसनाल पांच नंबर स्टेज सोशल कंट्राक्ट एंड इंडिविजुअल राइट रही बुझेगा बुझेगा ना तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल कौन यही आपंकर यूनिवर्सल प्रिंसिपल हूँ कौन ना निजे आपणकर रिक्स नब यूनिवर्सल प्रिंसिपल कौन ना रिक्स नब माने कौन पर रिक्स नब ना बहुत सारा लोक बचेवाई बहुत बड़ काम करने रिक्स नब जमीक एग्जाम्पल मुझे फ्रीडम फाइटर जो फ्रीडम फाइटर मैंने था निजर जीवन को से दाह लगे दिखते तो से रिक्स नहीं कि कम करेंगे अगर लोक बचेवाई बुझीगला ना ना तापर आप गोटे एग्जांपल नहीं पारे जदि कहीं जो गोटे जगार बहुत श्रृंगे फसी जाए सी जाकि बचेवाई चेषा कर जड़े व्यक्ति तो सीटा यूनिवर्सल प्रिंसिपल माने कहवा तार यूनिवर्सल प्रिंसिपल यार ओडिया भी मुझे लिखिदेज देखो आपजे पी डी एफ्टा स्टेज पास पनीशमेंट को डरिकी कथ मानवा सेकेंड स्टेज आप जड़े जमी व्यवहार देखे ता प्रति सेमती व्यवहार देखेबा समाज में सांगसाथी सामने निजक भल करने चेषा करवा तापर आप चार नंबर स्टेज देखिपारे कौन अच्छे ना समाज सबू नियम को मानि चलिबा पांच नंबर स्टेज आप देखते समाज पर जहाँ भल होता है ता सोशल कंट्राक्ट कह जाए आदि कौन नियम मान लें समाज प्रति क्षति रही भांगिदे हूँ आपणकर कौन आपणकर इंडिविजुअल राइट है तो आपणकर लास्ट जो रही कहली रिक्स ना अन्न मानाईटा आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो यहीटा थी कोहलबर्ग टोटल थ्योरी आपन को बुझेदेली कौन कौन रही लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी रोट लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग स्ट्राटेजीज फॉर प्रमोटिंग लेसन या पूर्व जो सेकेंड यूनिट्र चैप्टर गुड़ाक मुझे डिस्कसन कर सारी लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग नॉलेज एंड कंस्ट्रक्शन हाउ चिल्ड्रेन लर्न आउ आज क्लास आम यही चारोटी चैप्टर को डिस्कसन करवा चलत बिना विलंब कर मुझे क्लास स्टार्ट करुँ देखो आप कम्प्लीट कोर्स नापी चाहूँगी जो थे कि आपको कम्प्लीट नोट्स मिल हैंड रिटन नोट्स पूरा सब्जेक्ट वाइज सीडीपी पेडागोजी आपको जीएस आ सहित चैप्टर वाइज आम क्वेश्चन प्राक्ट आपको करूँ सिलेबस वाइज आप वीडियो पाइबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ कौन से डाउट है मतलब पचारि पारे एनी टाइम तो जदि ने चाहते कोर्स 149 पे कर दिंतु 6371239118 नंबर में आ स्क्रीनशॉट मतलब पठातु व्हाट्सएप फास्ट ये टर्म को बुझा कि लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी माने कौन कि शिक्षण गोटे सामाजिक कार्यकलाप अटे माने आम समाज कार्यकलाप करी ही आम कि ना कि शिक्षा ग्रहण करता
तेणुकर एठारे लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी लिखा जाए तो आम केमी समाज रु सोसाइटी रु आम बहुत सारा जिनस शिखी था चलत जाना लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी वन लर्नस फ्रम आवर फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स शिक्षण हूँ गोटे सामाजिक कार्यकलाप कौन से भी व्यक्ति किसी भी जदि शिखुची तो से समाज रु ही शिखुची जमीती निज फैमिली बा निज परिवार रो मेंबर मानक थारु निज संपर्क लोकों थारु किंबा सांगसाथी थारु से किछ ना किछ शिखुची तेणुकर लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी आम कहे समाज सहित आम जो बिली था समाज सहित जो आम गोली था से समय कौन होता है आमको नुआ नुआ जिनस आमको शिखा को मिलता है पियर्स ठारु फ्रेंड्स ठारु फैमिली ठारु रिलेटिव्स ठारु जदि देखिबे सोशलाइजेशन इज द की टू लर्निंग समथिंग ए सिंगल एक्सपीरियंस कैन लीड टू लर्न सोशलाइजेशन क्या कह जाए ना जो सोसाइटी बा समाज रे जिते आम मिसी थाऊ सोशलाइजेशन कही था तो सोशलाइजेशन हूँ मुख्य कहीं सोसाइटी बा समाज रु ही आम ए सिंगल सिंगल एक्सपीरियंस छोट 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 एक्सपीरियंस आम शिक्षा बा शिक्षण नहीं था क्लियर तापर जी देखिबे भाइगटसी कौन कहते सोशल सोसाइटी सोशलाइजेशन को लेकिन ना अकॉर्डिंग टू भाइगटसी लर्निंग हूँ गोटे एसेंशियल सोशल प्रोसेस जोटा कि सपोर्ट करें आउटा कि साय पेरेन्ट्स कॉग्निटिव पियर्स आउ द वाइडर सोसाइटी को कि निजर लर्निंग को बढ़ेबापी जमीक मुझे कहवाक चाहिए कि भाइगटसी कहते कि शिक्षण केतेबेले संभवपर जितेबले आम समाज सहित रहा कहीं यहाँ गोटे सोशल प्रोसेस अटे लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस आउ ये सोशल प्रोसेस एथपाई कारण पेरेन्ट्स पितामाता ठारु आमको किसी सीना किसी शिक्षा मिली थाए कॉग्निवर्स मिली थाए पियर्स ग्रुप सांगसाथी मानक मिली थाए जो समाज रही वाइड सोसाइटी से जगह आमको किसी ना कि मिली थाए एटा लिखा है द कल्चर प्ले ए क्रुशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल कौन फंक्शन बहुत हायर साइकोलॉजिकल फंक्शन को डेवलप करने को हेले कल्चर दरकार कहीं एग्जांपल देखो आम कौन करुचे दुर्गा पूजा को जाऊे एग्जांपल दुर्गा पूजा को गले आमर से कल्चर से आम बहुत किसी शिखुचे कि कहीं पूजा कराए कौन पाई पूजा कर जो अनेक लोक सेठे जो भिड़े रोचे किसी ना कि नुआ जिन शिक्षा ग्रहण कर तो एमती आमको कल्चर आमर साइकोलॉजिकल फंक्शन को डेवलप करें ठीक अच्छे तो सोशल इंटरेक्शन द प्ले प्लेस ए फंडामेंटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग तो जो सोशल इंटरेक्शन समाज सहित जो इंटरेक्ट करें मिसी था लोक सहित कथाई था तो गोटे फंडामेंटल रोल यहाँ लिभेई थाए प्ले करें जो थी कि आमर जो कॉग्निटिव आमर जो चिंतन शक्ति रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट आउ आमर जो शिक्षण रही तो सहीटा कौन होता है डेवलप होता है यही प्रोसेस द्वारा सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस द्वारा लोकों सहित जो मिसा ये सेम जिनस को बहुत थर कहुचे बुझिले कौन मुझे बुझेली लर्निंग हूँ गोटे सोशल एक्टिविटी कारण आम शिक्षण समाज द्वारा ही शिखिप पिता माता परिवार संपर्क लोक सांगसाथी ठार आम शिखी था सोशलाइजेशन को आम की लर्निंग कह कारण सिंगल सिंगल एक्सपीरियंस आम यगर हम शिक्षा ग्रहण करी कहले कि लर्निंग हूँ गोटे एसेंशियल सोशल प्रोसेस जोटा कि पिता माता ठार जोटा कि सांगसाथी ठार जोटा कि गोटे विस्तार समाज रु आमको मिली थाए आउ कल्चर गोटे क्रुशियल रोल आमको यठार प्ले करें आमर साइकोलॉजिकल फंक्शन को बढ़ेवाई देन आम देखा आउ थे मुझे रिपीट करदे यू रिविजन करदे सोशल इंटरेक्शन समाज सहित जो मिलीजुली जाऊ आम एठार गोटे आमर कॉग्निटिव चिंतन रो उन्नत होता है आमर लर्निंग शिक्षण उन्नत होता है यहाँ बर्तमान पढ़ले देन लर्निंग प्रोसेस को थे कह लर्निंग प्रोसेस आम जब देखा टीचर देखो लर्निंग प्रोसेस मुख्य एटारे टीचर टीचर ही एटारे टोटल लर्निंग प्रोसेस को बुझी जाती तो प्रथम टीचर को दरकार थाए कौन टीचिंग एड्स से अनेक प्रकार टीचिंग एड्स को एटारे कौन कर व्यवहार करके पिलांकु शिक्षा देवाकू चेष्टा करथांती
ଯେମିତିକି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼େଇଲେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦରକାର, ମେପ୍ ଦରକାର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମେପ୍ ଦରକାର। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥାଏ ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଟା ଯଦି ତା ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପାଖରେ ରହିଛି ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ ଟିଚିଂଟା, ସେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ। ନିଡ଼୍ସ କ'ଣ, ନିଡ଼୍ସ ଅଛି ଟିଚିଂ ଆଡ୍ସ, ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରି ତାକୁ ଜଣାଥିବା କଥା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ, ଛୁଆଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ନିଡ଼୍ସ ରହିଛି। ତାପରେ ସେ ଯାହା ବି ଡେଟା ସେୟାର କରୁଛି ସେଇଟା କଗ୍ନେଟିଭରେ ଯାଏ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଇନପୁଟ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼ାଉଛି ସେଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପଶିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଇନପୁଟ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ କି ନିଡ଼୍ସ ଆଉ ଇନପୁଟ୍, ବୁଝିଗଲା ଆମ କଥା। ଦେନ୍ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଇନଫୋର୍ସ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରିଇନଫୋର୍ସ କରିବା, ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବେ, ରିଇନଫୋର୍ସ କରିବେ, ୟାନି ପଜିଟିଭ୍ ରିଇନଫୋର୍ସ, କି ଯଦି ଜଣେ ଛୁଆ ପଢ଼ିବାରେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ତାକୁ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, ତା ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆମେ ଭରିବା ବା ଟିଚର୍ କରିବା ଉଚିତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ସେ ଛୁଆକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା କି ତୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହେବ, କାହିଁକି ନ ହେବ, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିକି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରସ୍କୃତ କରିକି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଟିଚର୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମେଜର୍, ଏଇସବୁ କଲା ପରେ ମାନେ ନିଡ଼୍ସ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ରିଇନଫୋର୍ସ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ମେଜର୍ କରିବ। ମେଜର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଭାଲୁଏଟ୍, ମାନେ ସେ ଦେଖିବ କି ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ାଯାଇଛି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ରହିଲା, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସଫଳ ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଜର୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବା ଆମର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ମାନିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିଅର୍? ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ, ନେଗେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହିବା ଏଇଟାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେବନି କେବେ ବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା 99% ମାନେ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେବେ ହୁଏନି। ଆଉ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଆନ୍ସର୍ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଇଲିମିନେଟ୍ କରିବେ। କେମିତି ଇଲିମିନେଟ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ରଖିଦେବେ, ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ରଖିବେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ କି ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁ ଟେନ୍ସ, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଟେ, ବାସ୍ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିଦେଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ଟା ରାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଆଚ୍ଛା ସରି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇନ୍ ଏଜ୍ ଏ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ବେସ୍ ଅନ୍ ରିପିଟିଂ ଦ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୋ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗେନ୍ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣ କ'ଣ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କି, ଘୋଷା ଶିକ୍ଷଣ, ଘୋଷା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘୋଷିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାର 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 ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆମେ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ପାଠରେ କ'ଣ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଲ କି, ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଘୋଷା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ କି, ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି ଆମେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। କେମିତି ମନେ ରଖିବା ନା, ରିପିଟିଂ ଦ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ଯେଉଁ ବି ମେଟେରିଆଲ୍, ଯେଉଁ ବି ପାଠକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ରିପିଟ୍ କରିକରି ରିପିଟ୍ କରିକରି ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବା ମାନେ ରିପିଟ୍ କରିଥାଉ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ଆମ ମନ ଆମ ମାନେ ମନେ ନ ରଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ତ ଛୋଟ ସମୟରେ ଘୋଷିଥିବେ। ଘୋଷା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମେମୋରାଇଜ୍ ନ କରିପାରିବା, ମନେ ନ ରଖିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବେସ୍ ଅନ୍ ରିପିଟେସନ୍। ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରିପିଟେସନ୍, ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ କ'ଣ, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ମେମୋରାଇଜିଂ ଦ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ନମ୍ବର, ଦ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବୁଲ୍। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ 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 ଆମେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିଥାଉ, ଆଲ୍ଫାବେଟ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ବାର ବାର ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ବାର ବାର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ତାପରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ 1, 2, 3, 4 ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାର ବାର ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବୁଲକୁ ଘୋଷିବା, ଯେମିତିକି 2, 2, 2, 2 × 4, 2 × 5, 10 ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବୁଲକୁ ଘୋଷାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ବୁଝିଗଲେ। ଦେନ୍ ଏବିଲିଟି ଟୁ କ୍ୱିକ୍ଲି ରିକଲ୍ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପସ୍ ଡେଭଲପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ନଲେଜ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, କ୍ୱିକ୍ଲି ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ କି କ୍ୱିକ୍ଲି ରିକଲ୍ କାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥାଉ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମକୁ କ୍ଷମତା ରହିବା କଥା କି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟାକୁ ରିକଲ୍ କରିବା, ମନେ ପକାଇ ପାରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ନଲେଜକୁ ହେଲ୍ପ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏଠାରେ ଆମକୁ କ୍ୱିକ୍ଲି ରିକଲ୍ କରିବାର ଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି, ଆପଣ ଯଦି ଘୋଷିଛନ୍ତି କଥା ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଁ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି କି ଭାରତ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଘୋଷିଥିଲେ ରିକଲ୍ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ହଁ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1951। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ମନେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଫର୍ ଏ ଡିଫର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏନକରେଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍, ନୋ କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଆମର ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିପର୍ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଦୂର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ମାନେ ବୁଝିବା ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘୋଷା ପାଠ ହେଉଛି ଆପଣ ବିନା ବୁଝି ସୁଝିକି ଖାଲି ମୁଖ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ତାହାର ନା ଅର୍ଥ ବୁଝା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ତାହାର ବିସ୍ତାର ରୂପେ କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛି ଜଣା ଅଛି, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଖାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାର ବାର। ତ ସେଇଟା କହୁଛି କି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ, ସେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ, ସେ ଆଲଫାବେଟ୍କୁ, ସେ ନମ୍ବରକୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେନି, ଆମେ କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି, ମାନେ ସମାଜରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛେ ତ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ଘୋଷିଛନ୍ତି ତ ତା'ର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ସମାଜ କି କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ସମୟରେ କହିପାରିବେ କି, ହେଇପାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲସେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବନି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କି ଏଠାରେ ହେଉଛି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଡିପର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗେହୁରା ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ଜ୍ଞାତ କରିବା ଏଠାରେ ଆଲାଉ ହୋଇନଥାଏ, ଏଠାରେ ଆମେ କରିନଥାଉ ଏଇଟା। ତାପରେ ସମାଜ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଠାରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଏଠାରେ ଆମର ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ପ୍ରେଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଲେଜ୍ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିନଥାଉ, କ୍ଲିଅର୍। ସେସବୁକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିନଥାଉ, କ୍ଲିଅର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ। ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ନଲେଜ୍। ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍, ୟାନି ମିନିଂଫୁଲ୍ ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା, ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି କ'ଣ, ଏଠାରେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିପିଟେସନ୍କୁ ବୁଝାଏ ବା ମେମୋରାଇଜେସନ୍କୁ ବୁଝାଏ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା। ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ବୁଝାଇ ଥାଏ, ଲର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ୍। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକକୁ ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଥାଉ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ଆମେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ବହୁତ ହି ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା। ମାନେ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡେପ୍ଥ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୱାର୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଗେନ୍ ବାଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆମେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା। ମାନେ ବୁଝିଲା, ଗୋଟେ ପାଠକୁ ବୁଝିଲା ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ପେକ୍ଟର, ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ, ବୁଝିଲା ପରେ ହିଁ ସେଇ ନଲେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେମିତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ କି ପଏଣ୍ଟ, ତ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେପ୍ଥ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ,
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ଏଠାରେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କି କ'ଣ କହୁଛି ବିଷୟ ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏଠାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଏଠାରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ପଚାରିବେ ସାର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ନଲେଜ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଥାଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ନଲେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ବୋଲିକି କହିବା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିଦିଏ ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଠକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଇମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଇଟ୍ ଆଲାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଫୁଲି ଏନ୍ଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଏଠାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫୁଲି ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ବା ରହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲି ଏନ୍ଗେଜ୍ ନାହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ପାଠରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ପାଠଟା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ତା'ପରେ ରହିଲା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟୁ ନଲେଜ୍ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହିଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ତ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ନୂଆ ନଲେଜ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ନଲେଜ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରମୋଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଇଟାରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ ବୋଲିକି ଜାଣୁଛେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତେଣୁକରି କହିପାରିବା ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଉଛି ହୁଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଗେଟିଂ ନ୍ୟୁ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପ୍ରମୋଟ୍ ହୋଇଥାଏ ହୁଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଗେଟିଂ ନ୍ୟୁ ନଲେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ସ୍କିଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର କିଛି ନୂଆ ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ଧୀରେ 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 ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ କ୍ଲିଅର୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଏଫେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ପହିଲା ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଏଫେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ହେଉଛି କି କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇଫେକ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଏଫେକ୍ଟ ନଟ୍ କି ଇଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଡାଲିଥାଏ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପରିବେଶ ମିଳିନି ତ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣ ଯଦି ମାନନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପୁରା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନ ମାନନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଠାରେ ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ କି ହୋଇପାରିବନି ତ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ତାପରେ କ'ଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବା କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ପିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ କହିବାକୁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି କି ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ତାପରେ ଆମର ବେଡ୍ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ହିସାବରେ ଯଦି ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ପାଠ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବା ଆମ ଭଲ ଆପଣ ଭଲ ପରିବେଶରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧୁଆ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ତେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ଆଉ ମଦ ପିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଫେକ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସରି ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ପର୍ସନାଲିଟି ଟିଚର ପର୍ସନାଲିଟି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଥିବ ତା'ର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିବ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କି ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ଥିବ ସେ ଡରଟା କମିବ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସନ୍ଦେହ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ପଚାରିପାରିବ ପିଲାଟା ଟିଚର୍କୁ ତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରହିବା କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ ତା'ପରେ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ
जो भी पाठ पढ़ाऊँ से ही पाठ को लेकिन तार जो ज्ञानटा भरपूर रहा कथा भल शिक्षा ग्रहण करता बहुत सुंदर हिसाब से तार नलेज थी कथा से जो भी विषय पढ़ाऊँ क्लासरूम मैनेजमेंट से ठीक हिसाब से क्लासरूम को मैनेजमेंट करने कथा ठीक हिसाब से पिला मैंने क्लासरूम को मैंने जदि पिला साउटिंग करी चिल्लाऊँगी कंट्रोल करने कथा जदि गोटे पिलार इच्छा ना पाठ पढ़वे बेंच रगे बसईवा कथा एप्रिसीएट करवा कथा यही हिसाब से क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक रहा कथा तापर तांकर पेडागोजिकल नॉलेज ठीक रहा कथा पेडागोजिकल नॉलेज ये ठीक रहा कथा से विषय भी अधिक जानते किंतु पेडागोजी जो नॉलेज ना देन किसी लाभ ना से कहवाक ये चाहिए कि पेडागोजी आमको कौन बनाई था पेडागोजी टीचर को स्टूडेंटर मानसिकता को बुझे साय कर कि स्टूडेंट को कमी पढ़ेबार अच्छी केमी बिहेव व्यवहार देवार अच्छी कौ चैप्टर को केमी पढ़ेले स्टूडेंट भल से बुझीपार यही सब तार नलेजटा इनक्रीज होता है तो तार इंटरेस्ट थी कथा पढ़ेबारे पिला भल पाइबारे पिला आग को बढ़ेबारे देन आसला आपणकर इमोशनल एंड सोशल फैक्टर आम गोटे काम करवा इमोशनल आउ मेंटल फैक्टर गोटे जगह रखिदे आउ सोशल फैक्टर को एक्सट्रा पढ़ा देखु सोशल फैक्टर आम देखा प्रथम हूँ सोशल और मेंटल फैक्टर कौन सोशल एंड मेंटल फैक्टर यार माने होचे रेडिनेस टू लर्न आम पढ़ाप प्रथम रेडी थी कथा इमोशनाली और मेंटाली तापर कौन आम इंटेलिजेंस ऊपर डिपेंड करके पाठ हवा कथा एमती नुहे कि जो मानने किसी आसुनी अको आसुनी ताको इंग्लीश पढ़ाऊँ कथा बुझुत तार मानने इंटेलीजेन्स हिसाब रहा कथा तापर कौन इंटरेस्ट रहा कथा पाठरे इंटरेस्ट रहा कथा पाठरे तापरे लर्निंग स्टाइल अनेक थ्योरी अनेक डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी को व्यवहार करके टीचर पढ़ेबा कथा जहाँफल जो डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम टा कौन डाइवर्सिटी अनेक प्रकार छुआ अच्छा समस्त नॉलेज सामान नहीं तो समस्ते से ग्रहण करेंगे जेहेतु इंडिविजुअल डिफरेन्स भी एटारे देखुचे ठीक अच्छे क्लीयर पे क्लीयर एटारे जो देखा सोशल फैक्टर कौन सोशल फैक्टर होची जमीती छोट जो बालिका मानू गर्ल्स मानू पढ़ाक चान्स दि जाए कौन सी मैंने से सोशल फैक्टर कि गोटे झील चाहूँगी पढ़ा किंतु सोशल फैक्टर समाज में एमती अच्छे कि कौन ना पिला छोट मानने झील मान पढ़वें समाज में टी से प्रायोरीटी दि जाए गोटे समस्या रोचे देन आम देखा कौन ना फिजिकल फैक्टर कौन फिजिकल फैक्टर हूँ जमीक हेल्थ होगा हेल्थ जो खराब अच्छी कौन आप पढ़ीपारे कि लर्न करें नो आप समय हो जाए पढ़ीपारे कि नो आपन को जो प्रॉपर खाद्य मिलनी आप पढ़ीपारे कि आप भोक कथा भावे पेट कथा भावे ना आप पाठ पढ़े कहले से जिनसा हूँ तपर एज एठारे एज एठारे कौन कर प्रॉब्लम रही एज कि आप एज भी गोटे एठारे फैक्टर जोटा कि एफेक्ट पकई था तो फिजिकल फैक्टर होगा एठार गोटे देखो एज को लेकिन एथर जो 2022 क्वेश्चन पचारि 2022 जो 2023 एग्जाम होता पचारि यहाँ तापर लर्निंग फैक्टर होगा आउ इंटेलेक्चुअल फैक्टर जोटा मुझ पूर्व कहली इंटेलेक्चुअल तार इंटेलेक्चुअल फैक्टर भी तार नॉलेज जदि से ना तो से लर्निंग लर्न करें गोटे गोटे पॉइंट को मुखस्त कर दिखाँ आज्ञा यहाँ पचार इंटेलेक्चुअल लर्निंग फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल है टीचर्स पर्सनालिटी एनवायरमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर तापर आम देखा नेक्स्ट की कौन टीचिंग स्ट्राटेजी टू प्रमोट डीपर लर्निंग एवं देखा कि जो कौ स्ट्राटेजी द्वारा आम बहुत ही डीपर लर्निंग को बा गभीर अध्ययन को आम प्रमोट बा ऊपर को उठे पार कौ स्ट्राटेजी द्वारा देखो तो छह गोटे स्ट्राटेजी को डिस्कशन करवा प्रथम हूँ सोक्रेटिक सेमिनार मान सेमिनार करवा मान गोटे फॉर्मल डिस्कशन हवा जमीती कौन लिखाई है ए फॉर्मल डिस्कशन लेड बाय द यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन टू गाइड इंक्वायरी एंड रिवील नॉलेज गैप्स एंड बायस पिला माने जिते बेले ओपन माइंडेड क्वेश्चन गुड़ाक पचार जिते बेले डिस्कशन हम तो सही जगार भी आम कौन हम आमर डीपर नॉलेजटा कौन हम बा डीपर लर्निंगटा कौन हम धीरे 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 इम्प्रूव हम माने जिते बेले डिस्कसन हुई था आम से डिस्कसन पूरा इनवल्व हो जाए था पिला गोटे पिला आउ गोटे पिला प्रश्न पचार कि गोटे सेमिनार दबो डिस्कसन हम से आम कि ना कि नुआ जिनस ग्रहण कर डीप को बुझा चेस्टा करनेक्ट करेंगे जेहेतु आप जड़े स्टूडेंट तो क्लारीटी देखो कौन रही क्लारीटी ना एमती
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏତିକି ସହଜ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଇଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର୍ ଦିଶୁଥିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପଢ଼ାଉଥିବ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର୍ ଦିଶୁଥିବା କଥା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଥ୍ ହେଟଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେର୍ଜୋନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଜ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାରିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଲେସନ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଡିସ୍କସନ୍। ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା, ବୋଲେ ଟିକେ ଭାବିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାଘ କେଉଁଟା, ନୋ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କେବେ ଏଇଟାକୁ ଡିକ୍ଲିୟର କରାହେଇଥିଲା, ତ ଟିକେ ଭାବିବେ କି ହଁ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଡିପଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ ଆସିଲା। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ କ'ଣ କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡାଏଲଗ୍ସ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ମେକ୍ ମିନିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ଟେକ୍ସଟ, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖିବା। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ଏଠାରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟିଚର୍ ବି ଅଛି, ତ ଇଏ ୟାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ୟାକୁ ପଚାରିବ, ଇଏ ୟାକୁ ପଚାରିବ, ଇଏ କେହି ନା କେହି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇକି ଶିଖିବେ, ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ପଢ଼େଇବ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଏଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଟିଚର୍ ବି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଠାରୁ ଶିଖିଥାଏ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି କି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡାଇଲଗ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ମେକ୍ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟେକ୍ସଟ। ଦେନ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁମ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ବ୍ଲୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବା ବ୍ଲୁମ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଥିଓରି, ସେଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ ଏ ଲୋଅର୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରଟା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତା'ର ଲେଭେଲଟା ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ ବା ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ 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 ପଢ଼ି ଚାଲେ ତା'ର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ଡୋମେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇକୋମୋଟର, ଗୋଟେ କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍, ତିନିଟା ଡୋମେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି, ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କହୁଛି, ଯେଉଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ୟାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି KCAASE, ଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏ ଡବଲ୍ ଏ, ତ KCAASE ୟା ମାନେ ହେଉଛି ନଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆନାଲାଇସିସ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଏଇ ଛଅଟା ତା'ର ଏଇଟା ରହିଛି ଡୋମେନ୍ଟା। ଏଇଟା ବ୍ଲୁମ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଆଗକୁ, ଆପଣ ଓରି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ବ୍ଲୁମ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପର୍ ଲେସନ୍କୁ ଡିପର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ, ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଟାୟାର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାର୍ଗେଟ୍, ୟାନି କ୍ରିଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଏ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯିବ କି କ'ଣ ପଢ଼ିବା, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା, ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିବା କଥା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ତା'ପରେ ଯାଇକି ୟାର କ'ଣ ରହିବା କଥା ନା ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଡିପର୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ସି ଡି ପି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମୋତେ ସି ଡି ପି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, 49ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସି ଡି ପିର ନୋଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି 149 149 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ ଏତିକି ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇବେନି, ଜମା ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଛି, କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପେନ୍ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କି ଡାଇଭର୍ସିଟିର ମାନେ କ'ଣ, ଏଡ୍ରେସିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ତ ଡାଇଭର୍ସିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ବିବିଧତା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଭାରତ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସିଟି କଣ୍ଟ୍ରି। କାହିଁକି ଆମେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଭାରତକୁ କହିଥାଉ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲଚର୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗର ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଡାଇଭର୍ସିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ସିଟି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ଆସିକି ବସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ
କଲଚର ଲୋକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଲୋକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଆସିକି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ିବା ନା, ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିଛି SC ST OBC ଜେନେରାଲ ଏଇସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତି, ତ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ କେମିତି କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତ କେମିତି ନ କରାଯିବ, ସେଇକୁ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଢ଼ିବା। ଟିକିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପଢ଼ିବା। ତ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଉଛି କି ଡାଇଭର୍ସିଟି ମିନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଭିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜନ, ଫ୍ରମ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବିଲିଟିଜ୍, ଯେମିତିକି କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ପର୍ସନାଲିଟି। ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ କି ଡାଇଭର୍ସିଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରିଲିଜିଅନ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଧର କିଏ ମୁସଲିମ ତ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ତ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏବିଲିଟିର ପିଲା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ଥାଏ, ଯେମିତି ଜଣେ ବହୁତ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ହି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆର ପର୍ସନାଲିଟି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ପଢ଼ନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋଲିକି କହୁଛେ, କ୍ଲିଅର। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା କି ଟିଚର୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରଖିବା ବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, କ'ଣ କ'ଣ ଯେମିତି ଟିଚର୍ କରିବା କଥା ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିପାରିବ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କି ଟିଚର୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଆୱେର୍ ରହିବା କଥା, ସଚେତନ ରହିବା କଥା କି ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ସେ ମାନେ କେଉଁ କାଷ୍ଟର କେଉଁ ରିଲିଜନ ଜଣାଥିବା କଥା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କି ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ସେ ପଢ଼ିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାରେ, କି ଖେଳକୁଦରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ତା'ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ, ସେ ସ୍ଲୋ ପଢ଼େଇଲେ ବୁଝେ, କି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼େଇଲେ ବୁଝେ, କି ତାକୁ ହସେଇକି ପଢ଼େଇଲେ ବୁଝେ, କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ତା'ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂର, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଟିଚର। ଏଣ୍ଡ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, କି କେତେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହିଛି ଆଉ ତା'ର କେତେ ୱିକ୍ନେସ୍ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିପାରୁଛି ପାଠକୁ ଆଉ କେତେ ସେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ପାରୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିଚର୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଥା, ଏଇ ଉପରେ ସଚେତନତା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଦରକାର। କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ? ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମଷ୍ଟ କନ୍ସାଇଡର୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଏଜ୍ ରିସୋର୍ସ, ଆମେ ବା ଶିକ୍ଷକ ଲର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ହିସାବରେ ରଖିବା କଥା, ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ବା ବିଚାର କରିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନକରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଇଜ୍ ଓଦର୍, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଶିଖିବେ, ଆଉ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ରହିପାରିବ ବା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ବା ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ମୋ କଥା? ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଫର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଟଲରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଥିଲି କି କେମିତି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏଇ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ଇନ୍ଟଲରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିରେ। କ୍ଲିଅର। ଏବେ ଦେଖିବା କି TLM, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ, ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ସେପାରେଟ୍ ନେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ TLM ରହିଛି କ'ଣ TLM କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିନେବା, ଶିକ୍ଷକକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଟିଚିଂ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ TLMର ବ୍ୟବହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯଦି TLM ନହେବ ତ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚିଂ ହୋଇପାରିବନି। ଯେମିତିକି ଯଦି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଉଛି ଗୋଟେ ଟିଚର, ତାକୁ ଗ୍ଲୋବ୍ ତ ଦରକାର, ଯଦି ଗ୍ଲୋବ୍ ଦେଖେଇବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେଶୀ କ୍ଲାରିଫାଏ ହୋଇପାରିବେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ଯଦି ସେ ମ୍ୟାପ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖେଇକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ୟୁରୋପ, ତ ସେ ୟୁରୋପ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଆଉ ବେହତର ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି TLMର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ହୋଇଗଲା, ଅଡ଼ିଓ ରିସୋର୍ସ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ହୋଇଗଲା, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ହୋଇଗଲା, ଆଉ
ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର TLM କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରନିଂ ଅଛି CDP ର, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଥିରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ୟୁଜିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ୟାପରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା କହିଛୁ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଏ ନା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ସେ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ। କ୍ଲିୟର? ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭେରାଇଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ, ଆଉ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ କେମିତି ସେଇ ଭେରାଇଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ନିଟ୍, ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେବିଲିଟି କି କ'ଣ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଟା ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରହିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ତ ଟିଚର୍ ସେହି ହିସାବରେ ଫର୍ମ କରିବା କଥା କି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର କ'ଣ ଏବିଲିଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବିଲିଟି ଅଛି, କ'ଣ ନିଡ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଟିଚର୍ ଫର୍ମ କରିବା କଥା ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଟିଚର୍ଟା କ'ଣ କରିବେ, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ହୋମୋଜେନସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମ କଥା କି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର କ'ଣ ଦରକାର ବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଟିଚର୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କରିବେ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି କି ଟିଚର୍ ସୁଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋମୋଜେନସ୍, ହୋମୋଜେନସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମ୍ ସମାନ ଲିଙ୍ଗ ଥିବା, ଯେମିତିକି ପୁଅ ପୁଅ, ଝିଅ ଝିଅ, ଏଇଟାକୁ ହୋମୋଜେନସ୍ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ ମାନେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ଟା କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ହୋମୋଜେନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ କ'ଣ କରିବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଗ୍ରୁପ୍, ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେଇ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ ଅଛି, ସେଇ ନିଡ଼୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇବେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ମୋ କଥା, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ କରାହେବ କେମିତି କରାହେବ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କି ନିଡ଼୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ ହଉ ହୋମୋଜେନସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲର୍ଣ୍ଣର ବନେଇପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଟିଚର୍ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେବା, ସେହି ହିସାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଦେବା ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇକି। ଟିଚର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, କେମିତି ନା କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ନା, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ରଖିଲି ବତେଇଲି କି ଆମେ ମାନେ ହୋମୋଜେନସ୍ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇକି କ'ଣ ନିଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ତା'ର ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ ଆମେ ବନେଇବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କ୍ଲିୟର୍ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ରହିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣର ରହିଛି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆଡ଼ପ୍ଟିଂ କରିକୁଲମ୍ ଟୁ ଦ ନିଡ଼୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କରିକୁଲମ୍, ଏଇଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବେ ଟିଚର୍ ରୁଲ୍ କ'ଣ ଡାଇଭର୍ସ କରିକୁଲମ୍ରେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କରିକୁଲମ୍କୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ର ରୁଲ୍ କ'ଣ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା କଥା ଜଣେ ଟିଚର୍, ତା'ର ରୋଲ୍ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ରୁଲ୍ ହେଉଛି କି ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ନିଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିଦେଲି କି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ପଢ଼ିସାରିଛେ, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାରିଫ କରିବା, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତାରିଫ କରିବା, ଯେଉଁ ଛୁଆ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝି ନପାରିଥିବେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ କଥା ବାର ବାର କହୁଛି, ମାନନ୍ତୁ ଜଣେ ଛୁଆ ବୁଝିପାରୁନି, ତ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିକି ବସେଇବା, ବା ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ଆଗରେ ବସିବି, କିମ୍ବା ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ତା'ର ଦେଖାଯାଉନି ଭଲସେ, ତ ତା ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ, ଯେଉଁ କହୁଛେ ୟୁଜିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କ'ଣ ୟୁଜିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ହେଉଛି କି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଛି, ଯାହାର ଯାହାକୁ ଭଲସେ ଶୁଭାଯାଉନି, ତ ତା ହିସାବରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲସେ, ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଛପଟେ ବସିକି ଆସୁନି, ତାକୁ ଆଗକୁ ବସିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଣିକି ବସେଇବା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ୟୁଜିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଟିକିଏ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦିଏ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଡ଼ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ବୋଲିକି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଅଲ୍, ହଁ, ଏଥିରେ ଟିଚର୍ର ରୁଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡାଇଭର୍ସରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସମାଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ
ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଏଠାରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ ଆମେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମୁସଲିମ୍କୁ ନୁହେଁ, କି ମୁସଲିମ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତା'ପରେ ଗିଭ୍ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର, କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ଟା ତାକୁ ଦେବା। ତା'ପରେ ଗିଭିଂ ସ୍କୋପ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ସ୍କୋପ୍ ଦେବା, କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା, କି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ହେଉ କି ଖେଳକୁଦରେ ହେଉ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, ପାଠକୁ ନେଇକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା। ତା'ପରେ ଗିଫ୍ ଟେମ୍ପରାରୀ ସପୋର୍ଟ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦେବା, କି ଧରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ହିଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା କାହିଁକି ସେଇ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନନ୍ତୁ କି ଖେଳିବାରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଖେଳ ହୋଇପାରୁନି, ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଇ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବି। ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଏଠାରେ ସରି କରିକୁଲମ୍ ଦେଖିବା, କରିକୁଲମ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବା କଥା, ଆଉ କରିକୁଲମ୍ର ସେପାରେଟ୍ ଚାପ୍ଟର୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଦେଖିବା କି କରିକୁଲମ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କରିକୁଲମ୍ କେମିତି ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କରିକୁଲମ୍ କେମିତି ବନାଯିବ, ନା ଚାଇଲ୍ଡକୁ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ କରିକି, ୟାନି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ସେଣ୍ଟର୍ କରିକି, ୟା ମାନେ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବା, ଆଉ ଆମେ ସେଇ କରିକୁଲମ୍ଟା ବନେଇବା ତା ସୁବିଧା ହିସାବରେ। ଏନ୍ସିଓର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ପସିବୁଲ୍, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି କ'ଣ ରହିଛି, ଏନ୍ସିଓର ଦ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ TLM ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସୋର୍ସ ଫର୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନା ବ୍ୟବହାର କରିବା, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନା TLMକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଢ଼େଇଲା ସମୟରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପେନାଲ୍ଟାକୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସୋର୍ସକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି କେମିତି, ନା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ନିଡ଼୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଭେରିୟସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେସିଆଲ ନିଡ଼୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରହିଛି ତାକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା, ମାନନ୍ତୁ ଜଣେ ଛୁଆ ଶୁଣିପାରୁନି ତା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟଙ୍କର, ତ ତାକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା କଥା, ଭେରିୟସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା କଥା। ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟୁ ବୋଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋକୋଲା, ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏକାଡେମିକ ଜିନିଷକୁ, ପାଠପଢ଼ା ଜିନିଷ, ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ବହି ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ରହିକି ଥିବାକୁ ଆମେ ଏକଜାକ୍ଟଲି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କହିଥାଉ। ଆଉ କୋକୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, କୋ କରିକୁଲାର୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଖେଳିବା ହୋଇଗଲା, ନାଚିବା ହୋଇଗଲା, ତା'ପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୋକୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ ଖେଳକୁଦକୁ ବି ସେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେବ, ଏଇ ଜିନିଷରେ କୁହାହେଇଛି। ତା'ପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ, ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ଯେମିତିକି ଜୀବନରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, କିମ୍ବା ଜୀବନର ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, ଯେମିତିକି ମାନନ୍ତୁ କି ଏଠାରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଭୋକେସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, କି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ, ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ବୁଣାଯାଏ ଘରେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୋକେସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍। ତ ଆମେ ଘରେ କେମିତି ଜଣେ ରହିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଭୋକେସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ଏନ୍ସିଓର ପ୍ରିସିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ବା ପ୍ରିସିପିଟେସନ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ସ, ତ ଯାହା ବି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କର ଦରକାର ରହିଛି, ନିଡ଼୍ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ତା'ପରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ରହିବା କଥା, ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ତା'ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ରହିଥିବା କଥା, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ରହିଛି। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ମାନେ ସମାଜ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଲିକି ରହିବେ, ସବୁ ଛୁଆ ସବୁ ପିଲା ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ରହିବେ କ'ଣ ହେବ, ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ, ସମାଜ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ରୂପେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଲର୍ନ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ ରହିଲା, ଗିଭିଂ ଏମ୍ଫାସିସ୍
ଅନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନଲେଜ୍ ଅଛି ବା ଆଗରୁ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ନଲେଜ୍ ବା ଯେଉଁ ବି ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ତା'ର ପ୍ରିୟର୍ ନଲେଜ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ PDF ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 637-123-9118 ଏଇ ନମ୍ବରରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି।